है, मतलब जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम एंड ऑल बहुत ही छोटे छोटे से है। सो काफी आसान सी कहानी है ना, तो क्विकली उसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या पूछ रहा था, एक बार समझ लेते। आई गेस लोग आ गए ना, है ना। ओके सो क्या है चैप्टर? ईएमवी। तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे वाले हैं जो छोटे छोटे से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा एडवांस में नहीं है ये, मेंस में है ऑब्वियसली, नीट में तो है ही। बट प्रॉब्लम इसके बाद देखना कि बहुत ही आसान से प्रॉब्लम में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम पूछे गए हैं ना, केवल बस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होना चाहिए, चैप्टर होना चाहिए कि वो है क्या चीज, कहाँ से आई है कहानी, वो कुछ कुछ चीजें। तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस, कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि मैक्सवेल की इक्वेशन है ना, तो उसके प्रॉब्लम नहीं बनते, कुछ एक सर्टेन बेसिक प्रॉब्लम है, वेव्स में भी पढ़े हैं हमने, है ना, जो चीज हमने पुरानी पढ़ी हुई है। तो एक बार क्विकली जब तक बाकी लोग आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ऑब्वियसली वेव्स का बेसिक आइडिया या वेव्स की इक्वेशन ने कैसे कैसे लिखी थी, वो चीज एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो जब हमने वेव्स की बात करी थी, तो वेव्स का हमने दो टाइप से क्लासिफिकेशन करा था, क्या एक मैकेनिकल वेव थी, एक नॉन मैकेनिकल वेव। बिकॉज चैप्टर कितना बड़ा है, बिकॉज मेरे बिक में क्या है, तो से यार सुबह सुबह से नींद नहीं खुली है ना, तू ऐसी अजीब अजीब सी चीजें बुक में, भाई एक तो तू मत लिखा कर, ऐसे सारे वॉवल्स खा जाता है तू, लिमिटेड पेजेस है, बहुत छोटा चैप्टर है, नॉट नॉट बहुत बड़ा है ना। ओके काम की चीजें लिखना के बाद। ओके तो हमने, हाँ यस, तो हमने दो टाइप की बात करी थी, क्या एक मैकेनिकल वेव थी, एक नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वाली वेव थी जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी, नॉन मैकेनिकल जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, है ना। और फिर एक अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था जहां पर हमने बोला था ट्रांसवर्स एंड नॉन ट्रांसवर्स, नॉन ट्रांसवर्स क्या था, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या थी, कि अगर हमारे पास वेव इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, या लिखना स्टार्ट कर, नहीं तो आलस के चक्कर में लिखा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। ये थी मैकेनिकल वेव हमारे लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में काम की क्या है, मैकेनिकल वेव थी, और ये थी नॉन मैकेनिकल, है ना, दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके सो ट्रांसवर्स वेव क्या थी, कि अगर वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, जिसको हमने स्पीड ऑफ द वेव वी डब्ल्यू से डिनोट करा था, इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग एग्जैक्टली अप एंड डाउन, समथिंग लाइक रस्सी वाली जो वेव थी उसको हमने ट्रांसवर्स वेव बोला था। दूसरी इज लॉन्गिट्यूडनल, इफ द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज द पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल हमारे इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे थे और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो हमने उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला, राइट। अच्छा वेव था क्या, वेव वॉज नथिंग बट बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। सोच लो उसी का ही कंटिन्यूएशन, कुछ कहानी है ये सब कहानी, ये था ना ट्रांसवर्स एंड मैकेनिकल, दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दोनों का आपस में। ट्रांसवर्स वेव हमने बोला क्या, कि जहां पर एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर बट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है। सो वेव अगर वेव है, अगेन अगेन हम रिपीटिंग, वेव जब हम बात करते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफर है ना, कोई ऐसी चीज नहीं जो तुमने दिख रही, वो किसी भी टाइप से हो सकता है वो एनर्जी का ट्रांसफर। तो पार्टिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करके आगे वाले को धक्का दे रहे हैं, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है फिर आगे वाले को धक्का दे रहा है, तो वो एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव कैन बी मैकेनिकल, कैन बी नॉन मैकेनिकल ऑल्सो, है ना। जैसे हमने जो रस्सी वाली वेव देखी, ये वाली जो जिम वाली रस्सी वाली वेव है, वो हमारी मैकेनिकल वेव है ना। जो अभी हम आज देखने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो नॉन मैकेनिकल, ठीक है ना। ये वाली कहानी सबको समझ में आती है, और हम इसको बनाते कैसे थे, जो हम नॉर्मली बनाते थे। अच्छा तो हमारे लिए अभी काम की चीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल है एंड ट्रांसवर्स है। अच्छा मैं अभी लिखता जाऊंगा काम की चीजें एक बार, जब तक बाकी सब जो भी आ रहे हैं, ठीक है, तब तक एक बार बस वो रिपीट करूंगा हमारे लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। तो हम एक रस्सी ऐसे बनाते थे, एक ये इधर ये बनाते थे, और हम उसको डायग्राम के हिसाब से ऐसे बनाते थे कुछ, ये था। ठीक है ऐसी कुछ कहानी होती थी। ओके
यहाँ पर हम वाई लिखते थे, ये एक्स लिखते थे, और इक्वेशन में हम ऐसा कुछ लिखते थे, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। अच्छा, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर क्या क्या थी जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ए क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो हमारे कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन से कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस से जा रहा है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो ये एक फोटो खींच गई है किसी एक इंस्टेंट पे, थोड़ी देर में ये रस्सी स्ट्रेट भी होगी, थोड़ी देर में ये नीचे भी जाएगी, है ना, थोड़ी देर में ये ऐसा भी दिखेगा। किसी को इस टाइप की चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कुछ वापस से अब कहानी रिपीट करने का मतलब नहीं है। ये पर्टिकुलर एवरी सिंगल पार्टिकल इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इट इज जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, है ना। किसी भी एक पार्टिकल को देखेंगे तो ये ऊपर नीचे जा रहा है हर इंस्टेंट पर। ठीक है। तो ए एम्पलीट्यूड था, ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती थी जो कि होती थी 2 पाई f या फिर 2 पाई बाई t, के हमारे पास वेव नंबर होता था जो कि 2 पाई बाई लैम्डा से रिलेट करता था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती थी स्पीड ऑफ वेव। यार ये सब याद होंगे, मतलब ये सब पढ़े होंगे, क्या लिखोगे इसमें, है ना, मतलब पता ही है तो क्या ही लिखोगे, मतलब आई डोंट थिंक इट्स नीडेड, है ना। और वेव वेलोसिटी होती थी ओमेगा बाई के, राइट। ये सारी चीजें पता है ना, है ना, जहां पे हम इसको ऐसे भी बोल देते थे ओमेगा को कोफिशियंट ऑफ टी एंड के हमारे पास है कोफिशियंट ऑफ एक्स। यहाँ तक आने क्लियर थी? अच्छा, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, जब ये दोनों पे माइनस साइन होता था बीच में, या फिर हम बोलते थे जब ई और एक्स के कोफिशियंट सेम है ना, तो वेव हमारी माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है। अगर टी और एक्स के कोफिशियंट एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है ना, तो हमारी प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो कौन से, अच्छा एक मिनट, किसकी बात कर रहा हूँ, ये कोफिशियंट और जो यहाँ पर कोफिशियंट है, इफ दे आर ऑपोजिट देन वेव हमारी मूव कर रही है प्लस एक्स डायरेक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट चीज की, अगर मैं यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखता, है ना, ऐसा कुछ लिखता, साइन लिखता यहाँ पर, ये लिखता, तो इसका मतलब ये माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है। यहाँ तक आनी सबको क्लियर है ना, ये सब चीजें, है ना। और एक और चीज क्या, एक और चीज क्या, हाँ ये वाली चीज, इफ दिस इज क्लियर, एक और चीज भी पीछे आ रही थी, हाँ। तो और यहाँ पर हम y क्यों लिख रहे हैं और यहाँ x क्यों लिख रहे हैं, ये है x, ये वाला x हमें बताता है कि वेव हमारी x डायरेक्शन में मूव हो रही है, बाइदर प्लस x और माइनस x डिपेंडिंग अपॉन दोनों साइन पे डिपेंड कर रहा है, और ये y डिनोट कर रहा है कि पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन में, ठीक है ना, पार्टिकल्स जो है वो y डायरेक्शन में। अगर मैं यहीं पर ये ऐसा लिखता, z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, अगर सपोज ऐसा लिखता मैं, तो इसका मतलब है वेव हमारी वाई डायरेक्शन में मूव हो रही है और पार्टिकल्स हमारे जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो हाउ डू वी फाइंड द वेलोसिटी? वेलोसिटी मतलब वेव की वेलोसिटी वैसे तो मीडियम पे डिपेंड करती है ना, बट यहाँ पर जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमारी ओमेगा बाई के भी होती है। सो ओमेगा इज बेसिकली टी का कोफिशियंट एंड एक्स इज बेसिकली सॉरी के इज बेसिकली एक्स का कोफिशियंट। माई नेट इज बैड, अरे है ना। अच्छा पार्टिकल वाला, अच्छा प्लीज अभी ये सब कंफ्यूजन नहीं, पार्टिकल हमारे ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, है ना, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो उसको हम vp से डिनोट करते थे, वो इसका डिफरेंशिएशन होता था, है ना। इस वाई का डिफरेंशिएशन टेल्स मी द पार्टिकल का वेलोसिटी, जिसको हम डेल वाई अपॉन डेल टी बोलते थे। अच्छा ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये सब पुरानी चीजें मिक्सअप मत करो, जो काम की चीजें वो बता रहा हूँ बस केवल, ठीक है। सो हाँ, तो क्या बता रहा था, लिखने का जो वेव का तरीका है वो क्या है, यहाँ एम्पलीट्यूड है फॉर श्योर, जो यहाँ पर एक्स लिखा होगा तो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है, वाई है तो वाई में, जेड है तो जेड, है ना, और ये हमारे पास जो लिखा होगा लेफ्ट में, अगर ये जेड इज इक्वल टू लिखा, मतलब पार्टिकल्स आर गोइंग लाइक दिस, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें पार्टिकल्स आर गोइंग लाइक दिस, यहाँ तक आने क्लियर है? बोलो 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 बोलो, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, मतलब पुरानी चीज में कोई दिक्कत है क्या? बढ़िया गए। सो ओके, सो पॉइंट इज, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो छोटा सा एक लाइन लिख लेते हैं, जेड वाला रिपीट कर दूं, मैं बोल रहा हूँ कि अपन नॉर्मली जो इक्वेशन लिखते थे ना वो ये लिखते थे, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें कौन सी चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती थी? हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स में ये वाला एक्स ये बताता था कि वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है ना,
और यहाँ पर दोनों साइन प्लस और माइनस हमारे पास क्या बताते थे कि सॉरी दोनों साइन टी के और एक्स के दोनों साइन अगर सेम होते हैं तो वेव हमारी माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव होती है इफ बोथ द साइंस आर ऑपोजिट, एक प्लस एक माइनस, ये वाला माइनस है ये प्लस है ना, तो हमें बताती है वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में। नॉर्मली ये सब क्लासिफिकेशन है, बट स्टैंडर्ड जनरली जो हम वेव इक्वेशन लिखते हैं वो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स बताता है कि एक्स डायरेक्शन में है, ये माइनस हमें यहाँ पे बताता है कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और ये वाई हमें बताता है कि ये पार्टिकल्स आर मूविंग इन वाई डायरेक्शन है ना। तो जब अगर मैंने वेव को ये लिखा जेड इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, तो ये हमें वेव क्या बता रही है कि वेव हमारी वाई डायरेक्शन में मूव हो रही है और क्या पार्टिकल्स हमारे जेड डायरेक्शन में हमारे, तो वेव ऐसे जा रही है कुछ नहीं, सॉरी ऐसे भी नहीं, ऐसे तो अभी इसमें कॉपी में ड्रॉ नहीं हो पाएगी। सो ये जो इक्वेशन है जेड इज इक्वल टू, सो पार्टिकल्स वेव इज गोइंग इन वाई डायरेक्शन, तो वेव जा रही है ऐसे, पार्टिकल्स आर मूविंग इन लाइक दिस, वेव कैसी बनेगी ऐसी, समझा। द्वित यू डिड नॉट क्लासिफाई वेव एज प्रोग्रेसिव, अच्छा तो अभी हम केवल प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं, स्टेशनरी वेव की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एनर्जी के हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं है ना, कि एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वेव जो है उसकी बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक, छोटा सा डेफिनेशन लिखते जाओ साथ में, अच्छा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो सब पुरानी चीजें पता है, मतलब कुछ ऐसा लिखने का नहीं है जो तुम्हें नहीं पता, एक बार यू कैन गो थ्रू विद दिस, जब तुम्हें समझ में आएगा क्या देखना है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे क्रिएट एनर्जी, विच प्रोपगेट थ्रू स्पेस, थ्रू स्पेस दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस एनर्जी इज कॉल्ड ठीक है, समझना ध्यान से कि क्या क्या कहानी आ रहे, आ रहे आ रहे सारी कहानी पे आ रहे, कुछ नहीं सिखाया यार अभी, स्टार्ट ही हुई बस पुरानी वाली चीजें रिश्ते। ओके सो यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है ना, सर इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जब ऑसिलेशंस होते हैं ना सर्टेन डायरेक्शन, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट होती है, और वो एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें अपने को याद रखनी है समझना, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब सो इन नॉन मैकेनिकल वेव है, इट डजेंट नीड मीडियम टू प्रोपगेट, अच्छा डजेंट नीड मीडियम का मतलब पहले बताया गया है ये कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ऐसा नहीं कि जहां पर मीडियम होगा उसका प्रोपगेशन बंद हो जाएगा, सो इट डज नॉट मैटर मीडियम है या नहीं, इट डजंट नीड मीडियम टू प्रोपगेट ना, सो प्रैक्टिस, सो दिस इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ऐसे सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर तुम पुराने पिछले 2-3 साल के पेपर देखोगे ना, स्पेसिफिकली जब से ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट सेट्स आने लगे हैं, 4 बार हो रहा था अभी 2 बार हो गया है ना, तो बहुत बार ईएम वेव्स के प्रॉब्लम आए, बट बहुत ही छोटे छोटे है ना, यही सब चीजें हैं, ऐसे ये सब से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने, आई विल टेल यू लास्ट में कि क्या कहता है, ठीक है। अच्छा तो अभी ये बनाते कैसे हैं, अब एक बार मैं ना थोड़ा सा ट्राई टू ड्रॉ जितना मैक्सिमम सही हो रहा है, क्योंकि एनर्जी हर क्रिएट्स एनर्जी यार, ये हमने बात करी ना, जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, क्रिएट्स एनर्जी का मतलब एनर्जी जिस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने डिस्कस करा हुआ है कि इलेक्ट्रिक कोई भी टाइप ऑफ फील्ड होगी वो अपने साथ एक एनर्जी कैरी करती है ना, वो वाली चीज है बस, अ वे ऑफ राइटिंग।
ओके सो थोड़ा सा जस्ट फील करने की कोशिश करना, क्योंकि अब ये 3D वापस से 3D डायग्राम है। एक एक ही बार बनाते हैं डायग्राम, उसको बस थोड़ा सा अच्छे से बना लो। अब दूसरा वाला कैसे बनाएंगे? लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वो बनाया जाता है ऐसे। इसमें कहीं का ओके हाँ, ये अभी आउट ऑफ पेज ड्रॉ कर रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जितना हो पा रहा है उतना करते हैं, थोड़ा सा ना और बेटर करना चाहिए। कैसे समझ नहीं आ रहा नहीं। एक बार कर रहा हूँ जितना हो पा रहा है, पता नहीं, समझा देता हूँ, वो फील से बेटर समझ में आ जाएगा। वो एक एक ड्रॉ कर लेते हैं और थोड़ा टिल्टेड करना चाहिए, सब गिचड़ पिछड़ कुछ नहीं समझ। रुको यार, दोनों सब कंफ्यूजन हो गया। एक्स एक्स मोटा करते हैं इसको, ये देख तो वो सी प्लेन में रहा है, 3D जैसा है बिल्कुल। ओके चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि कौन से प्लेन में वो बेटर समझ। चलिए ओके समझ लग ध्यान से क्या ड्रॉ कर रहा है, फालतू की चीज सुनना। सो प्रैक्टिकली जो हमारी एक वेव है ना, सो लेट्स टेक वन ऑफ द वेव एज नाउ। हाँ ओके, जो ये हमारी ग्रीन वाली वेव है, इसको मैं इलेक्ट्रिक और जो ब्लैक वाली, इसको मैं मैग्नेटिक वेव हूँ। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि क्या है। तो जो नॉर्मली हमारे पास वेव जो ट्रैवल करती है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस है ना। तो जो मैंने मूव कराई है वेव, एक्स डायरेक्शन इज माय डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मेरे डायग्राम के हिसाब से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक बार सारी चीजें बस एक बार ध्यान से सुन लेना। तो एक्स हमारी डायरेक्शन, तो वेव हमारी अगर एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है, जो हमने इलेक्ट्रिक वेव बनाई है, दिस इज इन वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जो एक्चुअली हम पढ़ते आए हैं वेव। तो दिस इज माय एक्स वाई प्लेन में वेव है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं भी, तो हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो वेव है वो हमारी वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं वाई लिख रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ई का जो एम्पलीट्यूड है, मैं उसको लिख रहा हूँ ई नॉट। ए का काम कर रहा है यहाँ पे ई नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट है। साइन को साइन लिख रहा हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह, क्योंकि वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है, इसलिए इसको एक्स लिख रहा हूँ। सारे टर्मिनोलॉजी समझना ध्यान से कि क्या है। जो हमारे पास वेव मैग्नेटिक फील्ड वाली जो वेव है, वो हमारी मूव कर रही है आउट ऑफ द प्लेन, समझना। सो जो जो तुम्हें वाई जेड एक्स वाई प्लेन में वेव दिख रही है ना, वो एग्जैक्टली ऐसी है। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव है, वो हमारी बाहर आ रही है, मतलब वो ऐसे है, विच इज इन एक्स जेड प्लेन। डायग्राम ध्यान से समझना बस केवल। तो
तो वेव हमारी जो दूसरी वाली वेव है, विच इज अ मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव, वो ये है, ऊपर जा ही नहीं रही है वो, ये वाली कहानी। तो अब वहां पर हम क्या लिख रहे हैं, वेव हमारी किस डायरेक्शन में, ई वाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पार्टिकल का वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जेड, पार्टिकल का वाइब्रेशन जेड डायरेक्शन में, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको बी नॉट लिख रहा हूँ, साइन को साइन लिख रहा हूँ, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह फिर से वापस ऐसा आएगा। तो हमारे पास ये वाली कहानी है। अब एक बार रीड करते हैं ऊपर वाली कहानी, समझना। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसको बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारी वाइब्रेट कर रही है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, दे क्रिएट एनर्जी विच प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जिस डायरेक्शन में वेव जा रही, जिस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर हो रहा है। जो पार्टिकल का वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्टिकल का वाइब्रेशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है। सो कंटिन्यूअसली हमारे पास केवल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो वेव जा रही है ऐसे और पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। केवल मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो वेव जा रही है ऐसे और पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, एवरी सिंगल पार्टिकल। तो यहाँ पर जो मैंने वाई और जेड लिखा है, ये बात समझ में आ रही है कि क्या लिखा है, बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है। सो प्रैक्टिकली जो मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, ये हमारा ई का डायरेक्शन है, और नॉर्मली हम जब जेड बनाते हैं, है ना, तो या तो हम ऐसे बनाते हैं, अब मैं उसको थोड़ा सा बेटर यही बना रहा हूँ क्योंकि हमने ये बहुत ज्यादा यूज किया, तो हमें पता है कि बी का डायरेक्शन इज लाइक दिस। बोलो यहां तक कहानी क्लियर हो रही है, अभी समझ में आ रहा है। बोलो, हाँ अभी मैं फेज पे आ रहा हूँ, ई एंड एम में फेज, यहाँ पर तो ई एम वेव बना, अगर आउट ऑफ फेज नहीं तो वो सेम फेज में होता है, मैं आ रहा हूँ सारी चीजों पे आ रहा हूँ, है ना। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये जो मैंने बनाया है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब जो प्लेन पार्टिकल हमारे जो वाइब्रेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं वो है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें कैसे पता किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ वेव इज बेसिकली हम निकालते हैं ई क्रॉस पी से, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर मल्टीपल टाइम प्रॉब्लम पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ वेव इज ई क्रॉस पी, और अगर मैं उसको कैप के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो इट डज नॉट मैटर। नो सर, बी विल बी डॉट एंड क्रॉस बोथ, वही मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आई एम कमिंग टू द, मैं प्रॉब्लम बहुत सारे बता दूंगा, है ना। जैसे ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर मैंने ई की डायरेक्शन लिखी है समथिंग लाइक जे कैप इन दिस, ये हमारा ई का डायरेक्शन है, ठीक है, और हमारा बी का डायरेक्शन है ये वाला समथिंग लाइक के कैप, और वेव हमारी प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है ना। तो हमारा वो ई क्रॉस बी करके आ रहा है, जे क्रॉस के करके आ रहा है, हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव विच इज आई, है ना। सो परपेंडिकुलर वो रैंडम नहीं है कि तुम ई को जे डायरेक्शन में मानो और बी को माइनस के डायरेक्शन में मानो, तो जे क्रॉस बी वो माइनस आ रहा है, देन इट इज अ रॉन्ग। सो प्रैक्टिकली हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव इज ई क्रॉस बी, नॉट बी क्रॉस। सो ये याद ही रखना है कि जब भी मुझे डायरेक्शन की बात होगी, या मुझे डायरेक्शन ऑफ वेव दिया है, अगर ई का डायरेक्शन दिया है ना, और मुझे बताना है कि बी का डायरेक्शन क्या होगा, सो ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शन ऑफ वेव विल बी ओनली डिटरमाइंड बाय ई क्रॉस बी, सब कुछ परपेंडिकुलर है बट वो माइनस जे डायरेक्शन जैसा नहीं है, समझ में आ रही है कहानी। सो जे क्रॉस के कर लो या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करके यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। बोलो क्लियर है हर्ष, विच डायग्राम टू ड्रॉ, ये डायग्राम है किस चीज का डायग्राम, है ना, या फिर बी की डायरेक्शन को कई बार ऐसे बना देते हैं, वो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिर से सेम कंफ्यूजन होगा, तो डॉट और क्रॉस इज बेटर। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एक चीज ना, एक बार एक जेई में, आई गेस एक या दो साल पहले प्रॉब्लम पूछा गया है, उन्होंने डायरेक्शन ए वन ऑफ द वेव की समथिंग लाइक के कैप दी थी, और दूसरी डायरेक्शन आई थिंक ई दिया था के कैप, और जो बी का डायरेक्शन दिया था वो दिया था आई माइनस जे, अब कुछ फैक्टर था मुझे याद नहीं बट ऐसा कुछ था, ठीक है, और पूछा था डायरेक्शन ऑफ द वेव का यूनिट वेक्टर बताओ, ऐसा कुछ था, है ना। तो प्लीज रिमेम्बर
अच्छा ये एक मिनट, एक प्रॉब्लम ही फ्रेम करके एक बार लिख ही लो, कुछ भी एक रैंडम प्रॉब्लम देता हूँ, सो तुम्हें याद हो जाएगा करना क्या है। सपोज मैं बोलूं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस एज डायरेक्शन, और बी का जो है हमारे पास है जे प्लस और थोड़ा सा 2j+k है, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन इन विच ई एम वेव इज ट्रैवल, डायरेक्शन इन विच ई एम और डायरेक्शन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, और थोड़ा सा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन इन विच ई एम वेव इज ट्रैवल। कुछ भी लिखा है मैंने, ये आएगा, ये आएगा, सही है आविष्कार गलत, पाठ गलत, कैसे गलत कर रहे हो यार, अभी सामने कहानी लिखी है, इसमें गलत क्या कर दोगे तुम। सबने हाँ एग्जैक्टली है ना, रुद्र गलत भाई, दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, वेक्टरिंग क्लास से नहीं लूंगा अभी मैं। सही है, सही है, उन्नति राइट। क्या बताऊं तुम लोग यार, ये गलत कैसे, एक कुछ बताया क्या अभी फॉर्मूले के अलावा, कुछ बताया नहीं ना, है ना, क्या बोला है, ई का डायरेक्शन दिया है, बी का डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे मैं अभी फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दूंगा, अभी आऊंगा मैं प्रॉब्लम पे, बस आइडिया बता रहा हूँ कि वो क्या है। पहली चीज, क्या ई और बी परपेंडिकुलर है, यस दिख रहे हैं, एक हमारा केवल आई में है और दूसरा वाला हमारा वाई जेड प्लेन में है, जे और के कैप है ना, तो कोई भी और दूसरा वाई जेड प्लेन में ये परपेंडिकुलर है, मतलब वो ई एम वेव वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, ई एम वेव में दे क्रिएट एनर्जी विच प्रोपगेट। यहाँ पर एक और चीज थोड़ा सा और बेटर लिख लें, यहाँ पे पर प्रोपोगेट परपेंडिकुलर टू बोथ टू द स्पेस, है ना, तो वो याद रहेगा, मतलब वो सब पानी कुछ है नहीं, ई क्रॉस बी एक ही चीज आई है यार, ई क्रॉस बी कर लो यार। अच्छा कई बार ना ई क्रॉस बी की डायरेक्शन को ना एस से डिनोट करते हैं, इट इज पॉइंटिंग वेक्टर बट सो डायरेक्शन इन विच इट ट्रेवल्स इज उसको ऐसे भी लिखते थे, सो वो एस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आई क्रॉस 2j+k नहीं कर पा रहे हो, ये तो देते ही नहीं आंसर, गलत तो क्या ही हो गया, आई क्रॉस जे टू तो कांस्टेंट हो गया, आई क्रॉस जे हो गया के कैप, आई क्रॉस ए क्या हो जाएगा -j कैप, इसमें क्या बताऊं, और हमें बोला गया कि यूनिट वेक्टर बताने, दिस इज इटसेल्फ इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, तो 2k-j डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर 2 का स्क्वायर 4। अब इससे और ये ऐसे प्रॉब्लम अगेन हम रिपीटिंग ये पूछे गए हैं जेई में भी मल्टीपल टाइम्स, नीट में भी पूछे गए हैं और जेई में भी तुम देखना, हाँ बहुत सारे लोगों जिन्होंने गलत दिया, मैं उनका बता रहा हूँ, या तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना भूल गए और कुछ ने आई जे के तीनों कहाँ से आ जाएंगे यार, है ना, तीनों चीजें तो आ ही नहीं सकती। ओके सो द पॉइंट इज पिछले 2-3 साल में देखना, जब से मल्टीपल सेट्स हो रहे हैं ना, तो उसमें ईएम वेव का एक प्रॉब्लम होता है, और इस पे ही बेस्ड अगेन आई टेल यू कि बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, ठीक है, यहाँ तक कहानी सही है। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी जो भी है ना, जो अभी हम देखने वाले हैं, है ना, वो बहुत सारी थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी और कुछ मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस है। सो पॉइंट इज अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या है कहानी, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये भी एक बार प्रॉब्लम पूछा गया है, सो देर इज नो फेज डिफरेंस, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने किसी भी जगह पे फाई नहीं लिखा है, और अगर लिखा भी होता तो एक जगह पे लिखा है तो दूसरी जगह पे भी लिखना पड़ता है, तो याद रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज, देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है दोनों में।
ठीक है, तो जो ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन क्या चेंज हो सकती है? यस 100% चेंज हो सकती है। कि एक बार जेई में ये भी प्रॉब्लम पूछा गया है कि वेव हमारी ट्रैवल कर रही है, मैं बस केवल आइडिया बता रहा हूँ, वेव हमारी ट्रैवल कर रही है लेट्स से वाई डायरेक्शन में। अगेन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वाई में थी, एक्स में थी या जेड में थी, ये वेव का डायरेक्शन ठीक है। और उसमें चार ऑप्शन दिए थे और लिखा था कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है, समझना। तो उन्होंने बोला लेट्स से कि वाई डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है ना, द पॉस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट। ठीक है, एक ऑप्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन है ना, और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन जेड डायरेक्शन, ऐसे ऑप्शन में ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन होगा कुछ एक्स डायरेक्शन, दूसरा वाला ये वाई, एंड ई इन वाई डायरेक्शन एंड बी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा ई इन जेड डायरेक्शन, बी इन एक्स डायरेक्शन एंड ई इन व्हाटएवर, क्या बचा, बी एंड जेड। चौथा ऑप्शन बना लो यार कुछ भी, है ना। क्या होगा ऑप्शन आउट ऑफ दीज, समझ में आ रहे ना। है टाइम पास प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। सो पॉइंट इज कि चैप्टर बहुत छोटू सा है ना, बट क्योंकि प्रॉब्लम बन जाता है, एक चैप्टर से एक प्रॉब्लम पूछना ही है, इसलिए उसका वेटेज बढ़ जाता है कि टाइम पास है, कि बस पता होना चाहिए कहानी। स्क्रोल अप में क्या, कहाँ पे स्क्रोल अप करूँ, देखो कुछ सवाल पूछा इसके। ई एंड बी आर परपेंडिकुलर, वेव का प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर बोथ द फील्ड, यस। उस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है और एनर्जी इज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ, नो वेव हमने बोला क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर है, किस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इज वन थिंग, किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं इज अनदर थिंग। सो एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर हमारे पार्टिकल ई के या बी के वाइब्रेट होते हैं, है ना। ये सो बेसिकली अपने साथ कोई भी वेव क्या कर रही है, एनर्जी और मोमेंटम कैरी कर रही है ना। यही हमने स्टार्टिंग में कहानी की, वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम, वो काइंड ऑफ धक्का देने वाली कहानी है, जो कहानी क्लास में स्टोरीज नहीं होगी ना, कि अगर बहुत सारे लोग खड़े हुए है ना, इसने धक्का मारा, इसने अपनी एनर्जी आगे वाले को दी, आगे वाला भी टिल्ट हुआ, उसने दी, फिर आगे वाला टिल्ट हुआ, सो उस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, बट पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं, या फिर इन दिस ट्रांसवर्स वेव वो पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अगर दोनों में फेज डिफरेंस रहा तो नहीं है ना, वही तो मैं बोलूँ कि इसमें फेज डिफरेंस नहीं है, ये वेव्स एक कंबाइंड चीज है। सेकंड ऑप्शन में वेव फॉर्म नहीं होता, सेकंड ऑप्शन में वेव फॉर्म नहीं होता, इस ऑप्शन में वेव फॉर्म नहीं होता, ये वाले ऑप्शन में नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम में बोल दिया था कि वेव हमारी वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, इसलिए है ना। तो वाई डायरेक्शन में मूव करी तो हमारे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ई हमारे पास एक्स में हो सकता है, तो बी को जेड में होना पड़ेगा, या ई जेड में है तो बी को एक्स में होना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको अगर मैं और मॉडिफाई करूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेव हमारी प्लस वाई डायरेक्शन में ही मूव हो रही है, समझना। सपोज इन द सेम प्रॉब्लम इफ आई वुड हैव सेड कि डायरेक्शन ऑफ द वेव वेव इज प्लस वाई डायरेक्शन, तो फिर हमारे पास आंसर ये होता कि ये होता, मतलब ए होता या बी होता, है ना। तो अब समझते जाना, वो वाली चीज एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने वाई बोला है बट प्लस वाई माइनस वाई नहीं बोला है ना। तो मेरे लिए आंसर ये दोनों हो सकते हैं, मतलब जेड और एक्स, एक्स और जेड, बट अगर प्लस वाई बोल दिया तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वही हमारा डायरेक्शन होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है, जेड क्रॉस एक्स, मतलब समथिंग लाइक के क्रॉस आई, और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, आई क्रॉस के। अगर ये प्लस वाई डायरेक्शन बोल दिया तो किसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा प्लस जे कैप आएगा, वो आंसर होगा, तो वो हमें पता है। अच्छा आई होप ये सबको याद होगा, आई जे के ऐसे लिखते हैं है ना, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो प्लस आता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आता है ना। तो क्या के और आई का क्रॉस करेंगे तो जे आएगा, के और आई का क्रॉस करेंगे तो हमारा आंसर है ना। आई गेस ये समझ में आने वाली चीज है, मतलब वो पुरानी वाली कहानी है, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या है ना। अगर मैंने प्लस वाई माइनस वाई नहीं बोला तो दोनों हो सकते हैं, बट अगर प्लस वाई बोल दिया तो यही होगा, या अगर माइनस वाई बोला होता तो यही होगा। बोलो क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है? छोटी छोटी चीज, एनर्जी का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, ए
एनर्जी का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, मतलब अगेन जैसे हमारे पास रे अगर मूव कर रही है ना, सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी मूव कर रही है, मतलब किस कोई एक सोर्स होगा जो एनर्जी दे, जैसे सन से अर्थ तक जो एनर्जी आती है वो ईएम वेव्स ही है ना, अभी हम उसके स्पेक्ट्रम पे आने वाले हैं, बट जो एनर्जी आती है सन से वो हमारे पास ईएम वेव है। सो प्रैक्टिकली अगर रे या एनर्जी अगर ऐसे जा रही है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पार्टिकल है वो अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। सो जब ई का जीरो है तो बी का भी जीरो है, सब यहीं पर ही है। ई हमारा अगर ऊपर गया तो बी हमारा बाहर आ रहा है, ऐसा, ठीक है, मैं कैसे करूं, ऐसा ऐसा ऐसा, सॉरी है ना, सॉरी, ये हो रहा है और ये हो रहा है साथ में, है ना, उसके परपेंडिकुलर वेव ट्रेवल कर रही है। प्लस वाई वाला कौन सा, प्लस वाई वाला थंब से करेंगे तो प्लस वाई आएगा, हाँ मतलब सो आइदर ए क्रॉस बी, यस यस यस, है ना, तो प्लस वाई डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो हमारा ई क्या है, प्लस जेड डायरेक्शन, और बी क्या है, एक्स डायरेक्शन, विच इज जेड क्रॉस वॉट, एक्स, यस, हाँ राइट हैंड थंब रूल, नहीं अच्छा उल्टा बोल रहे हो तुम, नो 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 नो, एक्स और जेड का कैसे आ जाएगा, एक्स हमारा है व्हाट, एक्स इज लाइक व्हाट, अब मुझे ऐसे मूव करना पड़ेगा, एक्स इज लाइक दिस और जेड इज लाइक दिस, है ना, एक्स क्रॉस जेड ना, तो प्लस वाई आ रहा है, एक्स और जेड प्लस वाई कैसे आ रहा है यार, एक मिनट, एक्स ये है, जेड ये, माइनस वाई आ रहा है ना यार, पार्ट समझ ना, जो बी वाला है पार्ट, जल्दी, एक्स ये है, जेड हमारा ये है, तो ये माइनस वाई आ रहा है ना, सो कैन आई से एम्पलीट्यूड ऑफ बी एंड डी आर सेम, नो हम यहाँ पे ये नहीं बोले, नो 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 नो, एम्पलीट्यूड पे भी हम डिस्कस करना है, बट ई का एम्पलीट्यूड और बी का एम्पलीट्यूड नॉट नॉट नेसेसरली हैज टू बी द सेम, इनमें कुछ रिलेशन होता है उस पे आ रहे हैं, बट ई और बी का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, सेइंग नो फेज डिफरेंस, मतलब अंदर वाली जो चीज है ये हैज टू बी द सेम, और दोनों जगह अगर साइन है तो वो साइन होगा, अगर मैं यहाँ कॉस लिखता तो ये भी कॉस होता, वो तो देखने का तरीका है। सो पॉइंट इज दोनों इसीलिए डायग्राम में भी ऐसे ही बनाए हैं कि अगर दो ई जीरो है तो बी भी जीरो है, जब ई मैक्सिमम पहुंच रहा है उतनी देर में हमारा बी भी मैक्सिमम, फिर से कम ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नो फेज डिफरेंस। मैं माइनस एक्स ले रहा हूँ, नहीं मैंने प्लस माइनस एक्स, हाँ मतलब अभी समझ में आ गया ना कि ये आंसर हो, तो पॉइंट इज दैट, है ना, राइट हैंड थंब रूल से कर लो या फिर आई जे के से कर लो, अभी जैसे ये वाला प्रॉब्लम था, अभी ये राइट हैंड थंब रूल से नहीं कर पाता ना मैं, अगर आई जे के दिया तो मैं इजिली आई ये सब कर लूंगा, अगर कुछ मिक्स टाइप की चीज ये, देन मुझे आई हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट, वो बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, फेज डिफरेंस नहीं होता है, ये याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ये है, इसको कई बार हम एस वेक्टर या एस कैप से डिनोट करते हैं, नहीं करोगे तो चलेगा, यहाँ तक कहानी से बड़े आगे, जल्दी जल्दी जल्दी, ए सी डब्ल्यू करेंगे तो माइनस जे आएगा, हाँ वॉट है, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अरे जो तुम्हें पता वो तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अच्छा इस पे हम एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये मैंने स्पेसिफिकली एक चीज के लिए लिखा है, यहाँ पे ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वो वैसे भी पता समझ में आ रहा है इक्वेशन से, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ई और बी में जो रिलेशन होता है ना, ई नॉट अपॉन बी नॉट, वही हमारा स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से, एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, एक और फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और, समझना ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट चीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, वेयर म्यू नॉट इज व्हाट, अच्छा इसको हम क्या बोलते थे, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब हमें पता है पहले से, नामकरण हम सब कर चुके हैं। इसकी वैल्यू होती थी 4π × 10⁻⁷ व्हाटएवर, जो भी एसआई यूनिट में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास 8.85 × 10⁻¹² ना, है ना, एसआई में। ये होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये कहानी सबको पता है ना, है ना। तो पुट डाउन दीज टू वैल्यू, यू विल गेट स्पीड ऑफ लाइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है ये कहाँ पर होती है, ये जो फॉर्मूला है इन वैक्यूम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√μ0ε0। म्यू नॉट हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, ये सब हो चुका है ना, तो इसको हम स्पीड ऑफ लाइट बोल रहे हैं, विच इज 3 × 10⁸। दूसरी चीज ये, जब किसी पर और मीडियम में जब ये एंटर करती है तो फॉर्मूला इज गिवन बाय वॉट इन एनी रैंडम मीडियम, ठीक है। तो वहां पर हम उसको लिखते हैं μ × εप्सिलॉन। अब जो ये म्यू इंटू एप्सिलॉन, केवल सीधे सीधे यार फॉर्मूले याद रखना, बहुत दिमाग मत लगाने चैप्टर में, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। 1/μ × εप्सिलॉन, जहां पर हम म्यू, अब वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, म्यू, या फिर हम नॉट वाली कहानी हमने हटा दी है। तो पहले तो इसका वहां पर भी पढ़ी हुई थी वैसे, एप्सिलॉन हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। थोड़ा सा वर्ड याद रखना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। एंड म्यू हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, बिलिटी ऑफ दैट मीडियम, किसी और मीडियम में अगर ये ट्रैवल करी। अब ये डिफाइन कैसे, नॉर्मली ना हमें ये नहीं देते हैं डायरेक्टली, वो क्या बोलेंगे कि किसी एक मीडियम में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है, जहां पर हम वर्ड जो यूज करते हैं वो हमें दिया जाता है रिलेटिव। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, सो एप्सिलॉन आर तुमने बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, एप्सिलॉन, ये सारे सिंबल याद रखने बहुत जरूरी है, म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, बिलिटी ऑफ मीडियम किसी सर्टेन मीडियम की, है ना, एंड ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट। क्या सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं? सो प्रैक्टिकली जब हम ये बात कर रहे हैं, तो अगर मैं म्यू और एप्सिलॉन की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसको वापस से लिखूं, अगेन ये लिखने का कुछ नहीं है, मैं सब कर रहा हूँ इसको अलग, ठीक है। तो अगर मैं म्यू किसी और मीडियम में अगर ट्रैवल करूँ, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा तुमसे। म्यू आर लिखूंगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं सी नहीं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वी लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि सी स्टैंडर्ड सिंबल है फॉर स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर मैं किसी और मीडियम के लिए मैं वी लिख रहा हूँ। तो 1/√μ0ε0 को हम लिख देते हैं सी अपॉन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अगेन आई एम सेइंग कि डोंट रिमेम्बर बहुत सारे फॉर्मूले, एक तो सी का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और दूसरा अपन ये याद रख लेते हैं, या फिर एक ही है। अच्छा, वास्तव में ये डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट चीज़ों की वजह से शो करती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड एक डिफरेंट चीज़ों की वजह से शो करती है। तो जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, तो वन एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टेंट फैक्टर था वो 1/4πε0 था। वो एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, वो हमें एक कोई एक प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे हर लिक्विड अलग अलग डेंस होता है, हर एक लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होती है, है ना। जैसे हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ, जब क्या पढ़ा था, ऑप्टिक्स की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक चीज पढ़ी थी, कि अगर एक लाइट ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर वो पानी में गई, है ना, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती थी, किस फैक्टर से चेंज होती थी,
जो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता था, जिसको हमने 1/4/3 बोला था, अगर हम ग्लास में गए तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में चेंज हो गई, वो फैक्टर आता था म्यू का 3/2, तो वो फैक्टर आता है एक्चुअली यहाँ से है। तो जो ये है ना, इसी चीज को हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं। एक सेकंड में, ये जो चीज है ना, ये दिस इज एक्चुअली द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफाइन कौन करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करे। यार एक सेकंड, क्या डाउट है सर? वी किसका स्पीड होगा? अगर सपोज मैं पानी में गया है ना, तो पानी का एक हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होगी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी, है ना? तो वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे डालेंगे तो वो आएगा। मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या पूछा था सर, रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज डायमेंशनलेस। यस बिल्कुल, पूरी तरह से ध्यान से देखो, ये एब्सोल्यूट है, अपॉन म्यू नॉट से डिवाइड करूंगा तो म्यू आर, जैसे हमारे एक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता था ना जिसको हम एप्सिलॉन आर बोलते थे, वैसे ही उसी टाइप की चीज है, बट अगेन इट्स अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। हम ये थोड़ा बोलते हैं यार, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है ना? ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है किसी भी एक चीज की, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है ना। हर्ष भाई बता रहा हूँ कि इट इज अ डिफरेंट डिफरेंट चीज, परमिटिविटी परमिएबिलिटी जो चीजें है ना, जैसे हमने बोला अभी ग्रेविटेशन पढ़ा था हमने, तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वहां पे कैपिटल जी क्या था? एक कॉन्स्टेंट फैक्टर था ना, है ना, जो कि ग्रेविटेशन से रिलेट करता था। ऐसे ही जो हमारा वो वाला जो फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है, जो कांस्टेंट फैक्टर है, वो एप्सिलॉन नॉट है, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मीडियम चेंज करने से पार्टिकल है ना, तो ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, म्यू एंड एप्सिलॉन बिल्कुल अलग। एक चीज हमारी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, बट इवेंचुअली जो ईएम वेव है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए दोनों चीजें आ रही है। मीडियम चेंज करने पर पार्टिकल की स्पीड भी चेंज होगी, विच पार्टिकल? वेव की स्पीड चेंज होगी, जितनी स्पीड से वेव ट्रेवल कर रही है ना, है ना? ये तो वैक्यूम में है, सी जो हमने लिखा है यहाँ पर वैक्यूम में, ये जो नंबर आता है ये वैक्यूम में, किसी और जगह पर जाऊंगा तो ये चेंज होगा बिल्कुल 100%। वीपी, अगेन आई एम नॉट गेटिंग, पार्टिकल जितनी स्पीड से पार्टिकल्स हमारे पास जो वो है ना, कितनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जा रहे हैं। अच्छा मीडियम वाला चक्कर ही नहीं ना, समझना ध्यान से, है ना, ये वाली बात कर रहे हो ना। तो यहाँ पर वो देखो, यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ओमेगा हमारा सोर्स पर डिपेंड करता है ना, कि सोर्स क्या है, कहाँ से जो बल्ब जलाया या क्या जलाया। ये जो के है वो हमारा ओमेगा बाई वी है, जो स्पीड होती है ना, ओमेगा बाई के है, के ओमेगा बाई वी है ना। अगर ये चेंज हो रहा है ना, ये हमारा सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी चेंज होगा, है ना। तो जब हम इसको, यहाँ पे हमारे पास जो कहानी है ये वाली, है ना, अलग अलग चीज है ना, इसको मिक्स क्यों कर रहे, समझ नहीं आ रहा है ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बता रहा है ना, यहाँ पे हम मीडियम की बात ही नहीं कर रहे ना, हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव है ना, मीडियम के पार्टिकल ही नहीं है वहां पे, वो तो इंडिपेंडेंट एक वेरिएशन है ना, हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी। ओके, क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई है? सो द प्रॉब्लम क्या पूछा जाएगा इसमें, अगेन एक रफ आइडिया। सो प्रॉब्लम ये पूछा जाएगा, सुनना ध्यान से, एक वेव है जो ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, 3 to 10 इज इन द वैक्यूम और इन द फ्री स्पेस, ये किसी एक और मीडियम में ट्रेवल करती है, और पूरे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, इट इज ट्रेवलिंग इन टू अनदर मीडियम where relative permeability of medium is something. What is something? What is? Let's say 4. है ना? And it is and its epsilon r is also let's say 4. Find its speed in that particular medium. है ना? इस टाइप की कुछ कहानी होगी, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में. First slide which is the first slide. ये वाली फर्स्ट स्लाइड बाद में करना ना, ये सब कहानी यार, अभी अगर टूट गया है तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, मतलब नोट करने वाला काम मैं भेज भी दूंगा वैसे, इसमें कुछ नहीं है। हाँ मतलब वही जो भी फैक्टर आएगा 7.5 का ना, हाँ तो बाई 4 बेसिकली, सो द पॉइंट इज बाई 4 का फैक्टर आ जाएगा। या जिसको फर्स्ट स्लाइड देखनी थी, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो ये नोट बाद में कर लेना
ना, तो दिख रहा है कि अगर हमें किसी जगह पे बस, अब वो कहानी लिखी होगी इतनी बड़ी, सो डोंट पिक आउट द वर्ड्स की क्या क्या गिवन है, क्या पूछा गया है किसी एक सर्टेन जगह पर। तो ये तो पॉइंट क्या है, ये याद रखना बस इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम पूछा जाता है ना तो उसमें ये डायरेक्टली वर्ड नहीं यूज करते हैं ना, दे विल राइट द होल कहानी कि क्या गिवन है। मोस्टली दे गिव म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर, बट अगेन कोई ऐसी चीज नहीं है, हो सकता है वो तुम्हें एब्सोल्यूट म्यू दे दे या एब्सोल्यूट एप्सिलॉन दे दे, है ना। तो बस केवल ये वाली चीज हमने क्या देखा, वी क्या आता है सी अपॉन ये वाला फैक्टर, इन दिस केस जो मैंने वैल्यू दी है दिस दे सी अपॉन फोर। क्या पूछा गया, 100% पूछा गया प्रॉब्लम, बहुत ही टाइम पास प्रॉब्लम है, तुम्हें लगे इतने छोटे प्रॉब्लम कैसे पूछे जा रहे हैं, यही पूछे जाते हैं इसकी, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं ही। बढ़े आगे, सर ये वेट है ए एंड बी फील्ड इट बेंड्स इन इंटरनल ई एंड बी फील्ड इट हैज एनवी, हाँ यार बेंड करती है ये, जो कल कल की क्लास अटेंड करी थी ना, तो मैंने बताया था कि सन से जो रे आ रही है वो ई एम वेव्स है ना, तो अगर वो ई एम वेव्स है तो इसी वजह से जब अर्थ की तरफ आती है ना, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमारी डेबिट हो जाती है। ओमकार तेरे को बोलने का मन हो रहा है भाई, क्या वन सेकंड, लोगों को लगने लगेगा मैं बायस हो गया हूँ। सर हाँ बोल। तो मैं पूछना चाहता था कि इधर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू अच्छा से अच्छा रिप्रेजेंट अच्छा 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 बिल्कुल अलग चीज है। ओके ओके ओके, वो करते सिंबल बिल्कुल सिमिलर, राइट राइट राइट। ओके एक चीज ओमकार ने बोली है यार, वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लिख के आता है ना। ओके ओके राइट, है ना, ये म्यू और उस म्यू में बिल्कुल केवल सिंबल सेम है, कोई रिश्ता नहीं है आपका, मतलब कोई रिश्ता है, मतलब ये बिल्कुल अलग अलग चीजें है ना, वो डिफाइन इससे ही हो रहा है ना, या हाँ, उसको अगर, लेकिन हाँ फिर हाँ दोनों ओके का ओके सिंबल सेम है, फिर यस कंफ्यूजन हो सकता है ना दोनों के बीच। यस, हो सकता है ना, ऑब्वियसली हो सकता है, जैसे हम यार ये तो फिजिक्स में बहुत सारी जगह है ना, तो अच्छा तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, उसको यहाँ या तो एन लिख लो यहाँ पर, हाँ कन्फ्यूजन हो सकता है यार ऐसे, तो फिर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, पावर को भी पी से डिनोट करते हैं, और एक और चीज को पी हाँ से डिनोट करते हैं, एक चीज और आती है प्रेशर बराबर, को, है ना, तो वो तो हो ही सकता हाँ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में ना कभी भी ये डायरेक्टली सिंबल लिख के नहीं आता है, दे विल राइट इट द फुल वर्ड। यस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो होता है वो हमारा ये होता है नीचे वाली चीज, बट डोंट गेट कंफ्यूज विद द सेम सिंबल। यस इलेक्ट्रिक डायपोल ऑल्सो, थैंक हाँ यू टेम्परेचर टाइम, हाँ बहुत सारी जगह है, सो इसीलिए ये सिंबल से ज्यादा जरूरी है कि वो जब तुम लिख रहे हो तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। हाउ डू यू सी लाइट, सर। लाइट यार स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं तो लाइट एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है जो हमारी आंखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी आंखें ऑब्जर्व करती है ना, डेविएट होती है, थोड़ा बोल रहा हूँ कि पूरी डेविएट होती है, उसकी कुछ हार्मफुल चीजें हैं वो डेविएट होती हैं, वैसे है यार बढ़े आगे थोड़ा सा, है ना। सो दूसरे टाइप ऑफ, तो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है ना वो इस पे बेस्ड बनते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव पे या फिर ये वाले कॉम्बिनेशन पे, है ना, इस पे भी कुछ अच्छी चीजें बट वो वेक्टर वाली ही चीजें, दूसरे इस पे बनते हैं, तीसरी ये समझना ध्यान से कि जो बताई गई वो क्या है, क्या बताया गया, हाँ एक डिस्प्लेसमेंट करंट है जो बिल्कुल नई कहानी है, तो पहले समझते हैं वो है क्या। अच्छा उससे पहले वो आया कहाँ से या थॉट क्या था, सबको एम्पियर्स लॉ याद है क्या था, इसको डिस्कशन नहीं करें, एम्पियर्स लॉ हमारे पास एक चीज थी कि अगर किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक करंट इज देयर, है ना, तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो एम्पियर्स लॉ कुछ ऐसा था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई, आई मतलब आई इनसाइड वाला, आई इन, ये था ना एम्पियर्स लॉ, है ना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस, ये वाली चीज याद है ना थोड़ी बहुत, है ना, कि अगर एक कोई सर्टेन जगह पे करंट फ्लो हो रहा होता था, या I1 था यहाँ पर, एक I2 था, अगर मैंने एक लूप बनाया ये वाला, है ना, यहाँ पर एक I3 भी था लेट से बाहर, और ये एक इमेजिनरी लूप होता था, इसके हर एक जगह पर अगर हम बी और डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास इसके बराबर आता था, है ना, ये वाली चीज याद है ना, तो एम्पियर्स लॉ ये था। अब समझना कि ये हमारा जो ये एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन आई इज कांस्टेंट,
समझना, ये कैसे पता लगा समझना ध्यान से कि अगला वायलेशन क्या हुआ, या हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसका मैक्सवेल ने इवेंचुअली थ्योरी दी. सो इट इज वैलिड ओनली फॉर, वहां पर हमने ये सब बोला नहीं था, ओनली फॉर कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट. इज इट नेसेसरी फॉर बीज टू यूनिफॉर्म विद टाइम? जो नहीं यार, पूरी इक्वेशन में ही देखो, टाइम के साथ कहाँ कांस्टेंट है, ये तो इक्वेशन में ही दिख रहा है ना, टाइम के साथ वेरिएबल है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं ना, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी कहाँ कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल ही अलग है ना, टाइम के साथ कॉन्स्टेंट है, स्पेस के साथ एक्स, अलग अलग एक्स पे अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग आ रहा है. वेव है ना, हम यहाँ पे बात नहीं, वेव हमेशा वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वो कॉन्स्टेंट है ही ना, इट इज मूविंग दैट, है ना. अच्छा तो एम्पियर्स लॉ क्या बताता था हमें कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यही बताता था और उसका कैलकुलेशन बताता था, तो हमें ये पता था इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसके कैलकुलेशन के लिए ये कहानी करी थी, समझना. एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्ट्ज वाज दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ये था वैसा कुछ था, और इसी पे ही बेस्ड हमारा मैक्सवेल की थ्योरी है. मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं बेसिकली, बैटरी, और वो पहले तो एक बार एक्सपेरिमेंट सुन लो बस, केवल की क्या है एक्सपेरिमेंट. ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर जो ये स्विच है, लेट्स से ये स्विच खुला हुआ है, जैसे ही ये स्विच बंद करा, ओके सो एक्सपेरिमेंट है, जैसे ही ये स्विच बंद करा इस पे चार्ज आना स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे ये वायर है, इनकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है. अगर हमने यहाँ पर एक कंपास रखा, सुनना ध्यान से कि ये कंपास है और ये मैग्नेटिक नीडल है, जैसे ही ये स्विच बंद करा, ये कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, हमें ये पता था कि कंपास में डिफ्लेक्शन केवल और केवल तभी हो सकता है, स्विच बंद होने से क्या हुआ, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आया, पहले 0 0 चार्ज था और वो क्यू चार्ज आने में जो भी टाइम लगा है ना, क्योंकि वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी, ओके. कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ था, पता लगा कंपास में डिफ्लेक्शन के लिए यार मैग्नेटिक फील्ड नीडेड है. मैग्नेटिक फील्ड कब आती है, हमने जो ऊपर पढ़ा था उसके हिसाब से, जब उसमें करंट फ्लो करता है, जिसमें किसी एक सराउंडिंग वाले एरिया में करंट फ्लो करता है, तब आती है. हमें क्या बताया गया, हमें तो ये बताया गया था कि यार वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पर आई, है ना, और वो करंट यहाँ होगा, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, किसके कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ नहीं होता था, तो अगर करंट वायर में फ्लो हो रहा है तो यहां पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई. तो अब ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो एक मैक्सवेल की जो थ्योरी है ना, तो ना उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक यहां पर एम्पियर एक लूप बनाया, एम्पियर लूप छोड़ो, एक लूप बनाया, उस लूप में कहीं पर भी अगर कंपास रखा ना, वो कंपास ये स्विच बंद करने पर डिफ्लेक्ट हो रहा था, कंपास अगर मैंने यहाँ रखा तो उसका एक सर्टेन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, यहाँ रखा डिफ्लेक्शन आया, ये कब हुआ, व्हेन यू आर डूइंग द व्हेन यू आर क्लोजिंग द स्विच, जब ये ओपन है या कॉन्स्टेंट करंट फ्लो रहा है तब ये कहानी नहीं हो रही है, जब वो चेंज हो रहा है तब ये कहानी हो रही है. तो कुछ एक चीज समझ में आई उनको, ये केवल और केवल तभी हो रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, जैसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, या कैपेसिटर या इन जनरल, ये तो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ये हमेशा होगा भाई, एक क्यू और माइनस क्यू आने की वजह से क्या होता है कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगर ये क्यू वेरी कर रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही होगी. अच्छा कैपेसिटर की प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन, राइट. ये चार्ज धीरे धीरे जो आरसी सर्किट होता है काइंड ऑफ, अभी उस पर नहीं, हमारा जैसे जैसे जब जीरो चार्ज है और जैसे जैसे वो क्यू चार्ज पे पहुंच रहा है, सिंबल सेम ही लिखो, है ना, क्यू चार्ज पे पहुंच रहा है मतलब चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इस जो एक छोटी सी जो ये चीज हुई है, मैंने एक सर्टेन एरिया लिया, इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है. इवेंचुअली उन्हें ये पता चला कि फ्लक्स जब भी किसी एक सर्टेन एरिया से फ्लक्स चेंज होता है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उस कंपास का डिफ्लेक्शन आ रहा है. तो जो हमारे पास एम्पियर्स लॉ था, क्योंकि अगर मैं एम्पियर्स लॉ इस लूप के थ्रू अप्लाई करूं, समझना ध्यान से, इस लूप के थ्रू बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इस लूप के थ्रू,
बी डॉट डीएल, क्योंकि मैंने हर जगह पर अलग अलग जगह पर ये कंपास रखा और वो कंपास एग्जैक्टली ऐसे ही शो कर रहा था। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास एक लूप में एग्जिस्ट करती हैं, तो दिस वॉज कमिंग आउट टू बी नॉन जीरो। बट इसके अंदर अगर हम देखें कि कोई करंट पास हो रहा है क्या, नहीं। म्यू नॉट जो आई इन वाला टर्म था दिस इज जीरो, तो यहां पर ये वॉयलेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ हुआ वहां पर। मतलब यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है तो हमारे पास एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा था। क्या ये वॉयलेशन समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ रही है? बहुत ध्यान समझना, फिर से मैंने रिपीट कर रहा हूँ। जब 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 तक चार्ज वेरी करता था, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने की वजह से अगर हमने पुराना वाला एम्पियर्स लॉ लगाने की कोशिश करी तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल नॉन जीरो आ रहा था, बट उसके अंदर कोई करंट था ही नहीं, है ना? तो हम ये जो इक्वेशन एम्पियर्स लॉ की थी वो नहीं लगा पा रहे थे। फ्लक्स चेंज वाला पार्ट समझा दूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या था, जब ये बंद हुआ तो अगर मैंने ये छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कलर वाला लूप बनाया है, उसमें देखा क्या गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली सर्कुलर आ रही है। मतलब अगर मैं उस लूप में सर्कल में घूम रहा हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल नॉन जीरो आ रहा है, पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल हमारा म्यू नॉट इंटू आई एन के बराबर होता था जो हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, बट उसके अंदर कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, करंट तो ये वायर में फ्लो हो रहा है, तो उस जगह पर ये एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? ये हमारा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, उसका कुछ मॉडिफिकेशन करा था, बट ये चीज समझ में आ रही है कि ये हो रहा है। पहली चीज फ्लक्स वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, सो एम्पियर्स लॉ इज नॉट वैलिड इन दिस रीजन, इन दिस लूप। ठीक है, तो अब उन्हें ये समझ में आया कि ये कब कब तक हो रहा है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ रही है ना? अभी मैं आ रहा हूँ फ्लक्स वाले पार्ट पे ही, इक्वेशन लिखनी है हमें, है ना? तो बट दिस इज नॉट वैलिड, इंपॉर्टेंट चीज ये। अब समझना, तो थॉट कहाँ से आया, क्या क्या थॉट जनरेट हुआ, एक बार और वापस एक और चीज को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। फैराडेज लॉ क्या था हमारा? फैराडेज लॉ क्या नहीं था उससे मतलब नहीं है, फैराडेज लॉ में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो लास्ट पार्ट था, बिल्कुल ही लास्ट पार्ट ऑफ ईएमआई, जहां पर हमने देखा था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती थी मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से, जब भी हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आती थी, ये हमारी जनरेट करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको ही या प्रॉपरली लिख लो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद आ रहा है सबको? फैराडे लॉ में लास्ट वाला एक था, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी एक सर्टेन जगह से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वो हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती थी जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। तो मैक्सवेल का थॉट उल्टा वाला, क्या हम ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड? ये चीज हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी, है ना? सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो जो ये वाला सेटअप है, ये अगर मैंने लिया किसी एक सर्टेन जगह से अगर मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बोलो, यहां तक कहानी सही है? अभी थोड़ा थोड़ा सा कहानी समझ में आ रही है कि सेटअप क्या है? अगेन, इतनी सब कहानी की जरूरत नहीं है, वी आर कमिंग टू द फॉर्मूला, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या है ना? और फेराडे लॉ में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी क्या, जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, केवल रिलेट कराने के लिए बता रहा हूँ, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी था, है ना? वो कौन सा वाला? बी वाला। और ये हमारा कौन सा था? ये वाला ई इंड्यूस वाला, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ये फॉर्मूला हमने लास्ट में पढ़ा था, और फिर हमने बोला था कि दो पार्ट थे इसके, कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस क्या होगी या बाहर क्या होगी, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है वो वाली। थर्ड वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यस, बट मैक्सवेल की इवेंचुअली थ्योरी मैक्सवेल की आने वाली है, जिन्होंने फॉर्मूले के फॉर्म में बताया। ओके, फैराडे लॉ में ये याद है, ये था, है ना? ये इसी को ही हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस आया है,
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल वॉज माइनस डी फाई बाई डी टी, याद है कहानी? और इससे ही हम ई इनसाइड या ई आउटसाइड कैलकुलेट करते थे, बट वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज हो रहा था। यहाँ तक सही है ना? अब इसी को ही उल्टी कहानी को हम रिपीट करें। सो कैपेसिटर के अंदर, सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ बोलो, स्टोरी समझ में आई है? अभी उसका फॉर्मूला इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, बट वो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट, इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना। अच्छा नहीं, ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए नहीं, सबके लिए हमें, बट हमारे सिलेबस में सिलेंड्रिकल था, ये वाली चीज हमने केवल सिलेंड्रिकल रीजन के लिए पढ़ी थी, बट हर जगह ही होता है। ठीक है, नाउ कम टू द करेक्शन, वो क्या करेक्शन किया गया? करेक्शन इन एम्पियर्स लॉ। नाउ दिस वॉज डन बाय हुम? क्या नाम? मैक्सवेल, है ना? सो ईएम वेव की सारी जो इक्वेशन है ना, तो एक्चुअली हमने बाकी चीजें पढ़ी हुई है, तो मैं बाकी बाद में लास्ट में सारी साथ में लिख दूंगा, पहले करेक्शन समझ लेते हैं कि वो करेक्शन क्या है। ठीक है, ओके, सो लेट्स से दिस इज द कैपेसिटर, करंट आ रहा है ये वाला, ये आया जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज आ रहा है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा मैं अपने को इवेंचुअली में थोड़ा सा डेरिएशन जैसा बता दे रहा हूँ, बट हमें मतलब नहीं है इससे बहुत ज्यादा, हमें फाइनली इक्वेशन से मतलब है। ओके, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स था, उसका रेट ऑफ चेंज की बात करी थी, ऐसे ही यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे होंगे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन, राइट? है ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होगा? अच्छा मैं फाइव वहां पे बी लिखा है, फ्लक्स पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अगर मैं इसके पूरे एरिया की बात करूँ, तो हमारे पास ई इंटू एरिया होगा, विच इज एरिया, एरिया कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? सो दिस इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने क्या बोला, डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है, ये क्या आएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ये आएगा वन बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, ये आएगा, है ना? डी क्यू अपॉन डी टी हमारे पास होता है आई, ये हमारे पास आ रहा है इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आने समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसी वाली चीज आ रही है। अब हमको क्या याद रखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आई आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। ये एक हमारे लिए बिल्कुल ही नए टाइप का करंट है। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होती है ना, उसकी वजह से फ्लक्स वेरी होता है इन अ सर्टेन जगह पर, तो इस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये एक थॉट है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस सिंबल को हम आई डी से डिनोट करते हैं, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और जो वायर में करंट फ्लो करता है उसको हम आई सी से डिनोट करते हैं टू डिफरेंशिएट। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग करंट, जो कि हमारा वायर में फ्लो रहा है, और जो हमारे पास ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, जो हमारे पास करंट आता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, टू वेरीफाई दिस होल कहानी कि अगर मैं यहाँ पर एक कंपास रख रहा हूँ तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है। तो हमें तो पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, तो हमने बोला कि एक जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, उसकी वजह से उसका फ्लक्स वेरिएबल है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से जो एक करंट आता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना? एंड दिस वॉज द मिसिंग टर्म इन एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई है? तो हमारे पास अब दो करंट हो गए, एक है कंडक्टिंग करंट जो वायर में फ्लो होता था, और एक हमारा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास करंट आ रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। बोलो, यहाँ तक कहानी सही है? जल्दी 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 जल्दी। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या था? बी डॉट डी एल हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा था एम्पियर्स लॉ की वजह से, वो था म्यू नॉट इंटू आई के बराबर,
अब हमारे पास एक और टर्म आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी आई। ये हमारे पास अब ध्यान से देखो वो म्यू नॉट इंटू आई था, यहाँ पर भी वही है म्यू नॉट इंटू आई। आई डी का काम कौन कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा जाता है तो वो हमारे पास सर इफ द पिंक लाइन बिटवीन द कैपेसिटर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ तो ही होती है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट होती तो प्लस से माइनस है ना। वैसे आईडी फ्लो कहाँ करेगा? अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ थॉट, दिस इज अ कंसेप्ट, समझना ध्यान से, है ना। ये एक चीज क्या है, वो एक 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 थॉट है टू वेरीफाई ऑल दिस कहानी, कहीं फ्लो नहीं कर रहा है, वो रियल कहानी नहीं है वो, है ना। ये थोड़ा सा अजीब सा थॉट है क्योंकि हमने क्या किया, वही मैं बता रहा हूँ, कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि वहां पर वो कंपास आ रहा था, वो कंपास का रिफ्लेक्शन हो रहा था, है ना, वो पूरे एक लूप में ये वैलिड नहीं हो रहा था, तो एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं था। तो हमने क्या बोला कि उस चीज को वैलिड कराने के लिए तो केवल डेरिवेशन हटा दो, है ना, एक नई टाइप की चीज आ रही है, वो एक थॉट है, ठीक है। सो कंबाइन दीज टू थिंग, हमारे लिए एम्पियर्स लॉ का जो वेरिएशन है, सॉरी करेक्शन है, वो ये है जो हमारे लिए नया फॉर्मूला है। इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको इन दोनों चीजों को यहाँ पे आई सी लिख दे रहा हूँ, अच्छा है ना। तो वो चीज बस ध्यान रखना कि वो तो बिल्कुल अलग अलग चीज है। सो म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, सो दिस इज द करेक्शन इन एम्पियर्स लॉ। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड तुम्हें क्या याद आता है? तुम्हें दो चीजें याद आती है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, और इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम इस पर नहीं आएगा, है ना। बट इन चार इक्वेशन, कुछ इक्वेशन अभी आगे लिखने वाला हूँ जिसको हम कंबाइन करते हैं, जिसको हम मैक्सवेल की इक्वेशन को। अच्छा यहाँ पर ये आई सी है, अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा सा ना एक चीज लिखता जाता हूँ। तो आई सी जो हम बोलते हैं ये वायर में करंट फ्लो है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, क्योंकि इस पर ना कहानी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही बनते हैं। सो थोड़ा सा कहानी याद रखनी, सो कंडक्शन करंट इज व्हाट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, मतलब ऐड क्या किया बेसिकली, वो दो अलग अलग चीजें थी, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। आई डी जो हम लिख रहे हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, आपने दोनों इक्वेशन ऐड किया। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से, यार वही मैं बता रहा हूँ ना, पूरी कहानी रिलेट करने की कोशिश करो, कहीं से आया नहीं है वो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रही थी तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, बट हमने पहले क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आती थी? करंट की वजह से। तो वहां पर एक थॉट है, कंसेप्ट है, एक्चुअल कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। टू टाइम्स हमने ऐड जैसा नहीं करा है, भाई मैं बोलूँ ये दो अलग अलग चीजें, उनको कंबाइन करा है, नॉट एडिंग दीज टू, है ना। ये हमने पुराना एम्पियर्स लॉ पढ़ा था और एक टर्म जो मिसिंग था, जो हमारा वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, ये चीज गलत हो रही थी, तो हमने उसको मिक्स करा है, दोनों चीजों को मिक्स करके लिखा है कि जो हमारे पास टोटल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल आता है उसका वो है। और ना समझ में आया ना, वो कोई एक्चुअल करंट नहीं है, वो इट इज अ थॉट, इट इज अ कंसेप्ट टू वेरीफाई ऑल दिस कहानी। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ड्यू टू चेंजिंग, अगेन आई एम सेइंग इस पे केवल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, सॉरी ड्यू टू चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू अपने को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी, जो ऊपर लिखती है डी बाई अपॉन ऊपर वाली स्लाइड। ओके लिख लो यार, लिखो बेटा, सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अ कंडक्शन करंट, इट इज अ करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
सबसे नीचे कैन यू जूम इन, सबसे नीचे मतलब ये डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं या ये करना पड़ेगा गूगल, आई डोंट नो। डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा रिलेट करा होगा, मतलब कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, अरे करना पड़ेगा गूगल, नहीं पता डिस्प्लेसमेंट ही क्यों बोलते हैं, कुछ होगा वैसे डेफिनेटली। ओके नहीं पता, ठीक है। सो फॉर्मूला समझ में आ गई, सारी चीज कहानी समझ में आ गई, ओरिजिनली इट वॉज आई इनक्लोज्ड और आई सी से, ओरिजिनली नहीं नहीं पहले वाली कहानी जब हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था तो वहां पे तो आई कांस्टेंट ही था ना, है ना, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वायर्स से तो वो हमारा कंडक्शन ही करंट था, है ना, उस लूप के थ्रू कितना हमारा करंट फ्लो करता है वो था ना, तो वो कंडक्शन करंट था। यहाँ पर तो फ्री स्पेस में वहां पर कोई वायर ही नहीं है, तो पहली वाली कहानी में आई सी था, है ना, कंडक्शन करंट उस इमेजिनरी लूप, एम्पियर लूप, कोई एक्चुअल लूप तो था नहीं ना, वो एक इमेजिनरी लूप था, बट वो हमें यही बता रहा था। तो आई एनक्लोज एंड आई सी आर सेम, हाँ, उसी को ही हमने एनक्लोज लिखा था, उसी को आई सी लिखा था, यस। 859 बायोलॉजिकल, ये रुको रुको, ब्रेक खत्म होने दो, ठीक है बढ़े आगे। ऊपर का बताओ क्या, विच पार्ट, यार याद कर लो मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस पे, यू सी द प्रॉब्लम आई विल टेल यू किस टाइप का प्रॉब्लम है, याद कर लो ये चीज, तुम्हारे लिए बस उतना ही काम का है। विच पार्ट ऊपर का बताओ, मतलब तुम्हें लिखना है या कुछ समझना है, बताओ का मतलब डन, अच्छा लिखना था, ओके ठीक है, अच्छा ओके। सो एक पार्ट, वन लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी विच इज कॉल्ड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, ठीक है, ये चार इक्वेशन है, जस्ट रिमेम्बर, केवल थ्योरेटिकल आएगा, कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं। सो मैक्सवेल, तो जितनी हमने इक्वेशंस पढ़ी ना, गॉस लॉ, एम्पियर लॉ, उन सबको कंबाइन करके चार इक्वेशन है, इस मैथमेटिकली जो चार इक्वेशन है उन इक्वेशन को मिला के हम मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन बोलते हैं। सो फर्स्ट इज गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो हमने पूरा एक चैप्टर के नाम पर पढ़ा है डिटेल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए और डी एस, जो भी लिखना हो, जो भी तुम्हें क्लास में लिखाया गया वो लिखना है ना, मैं ए लिखता हूँ इसलिए हम राइटिंग नहीं तो एस लिखा है। सो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं, राइट, ये सबको समझ में आता है, इसमें कोई डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं, राइट, इस बुक समझ में आता है ना ये वाली कहानी। एक और नई चीज आई है ना, गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए पढ़ा था कि वो प्रॉब्लम बेस्ड था, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, अब ये हमें पढ़ा नहीं है क्योंकि एक्चुअली इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, बट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज ऑलवेज 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 जीरो, क्यों, हमने क्या बोला कि अगर एक वो है मैग्नेट है, लेट्स से नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक लूप में एग्जिस्ट करती हैं, पूरा ही बना दे रहा हूँ, है ना, एक लूप में, क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर रही है, जितनी बाहर नॉर्थ से साउथ है, अंदर साउथ से नॉर्थ है, याद है ना, यही वाली कहानी थी। तो हमेशा अगर मैं कोई कोई भी एक सर्टेन इसको एक मैग्नेट को एक बंद कर दूंगा किसी एक डब्बे में, जितनी लाइन बाहर निकल रही है उतनी अंदर होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसे उसका टोटल फ्लक्स जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी हमेशा जीरो होगा, एंड है ना, मतलब यहाँ से जो भी लाइन बनाओ यहाँ पे बना दो, बट अंदर की वाली कहानी है। तो अगर मैं कोई भी एक डब्बा लूंगा, कुछ भी एक चीज बनाऊंगा, ऐसे टोटल फ्लक्स उसके थ्रू जीरो होगा, है ना, मैंने सपोज ये सरफेस बना दिया तो हमेशा जीरो होगा,
है ना, एंड यही एक्चुअली अनदर वे ऑफ सेइंग है कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल जो हमने बोला है थ्योरेटिकली हम एग्जिस्ट करा देते हैं, बट रियल जिंदगी में इसी से ही हम वेरीफाई कर सकते हैं, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। अनदर अनदर वे ऑफ सेइंग, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द रीजन, है ना। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसीलिए नहीं, इसीलिए हमने बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है। इफ मोनोपोल एग्जिस्टेड फ्लक्स वुड नॉट हैव बीन ज़ीरो, राइट, एग्जैक्टली। अगर मोनोपोल सच में एग्जिस्ट करते है ना, मैं नॉर्थ को एक अलग से इंडिपेंडेंट रख पाता तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए जीरो नहीं आता, क्योंकि वो जीरो आ रहा है मतलब हमें पता चल रहा है कि अंदर घुसने वाला, वही पानी वाली कहानी, जितना अंदर घुस रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है ना। अगर एग्जिस्ट करते तो मोनोपोल, ये चीज हमारी वैलिड नहीं होती। तो इट इज गॉड्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैक्सवेल किसकी इक्वेशन हम किसको बोल रहे हैं एक्चुअली, वो किसी किसी और चीज की इक्वेशन, उनके कंबाइंड चीज को मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये दो चीज समझ में आई। तीसरी चीज थी फैराडेज लॉ, ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, फैराडेज लॉ पूरा चैप्टर ही था हमारे पास, है ना। उसका स्पेसिफिक पार्ट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी था, जहां पे फाई कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फैराडेज लॉ था, है ना। इस पर भी कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ। ये गंदा वाला डायग्राम ड्रॉ है यार, तुम क्या फालतू चीजें पिक्चर नहीं करना है, मतलब करना हो कर लो, पता नहीं हो, आई डोंट नो, है ना, सरफेस के थ्रू ये वाली। ओके, एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल था, अब बस केवल उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, कि हमारे जो पहले वाली चीज थी अब नाउ दैट थिंग इज म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, दिस इज एम्पियर्स लॉ। All these equations collectively known as, Maxwell's, known as Maxwell's equation. ये चारों equation मिलाकर हमारे पास फैराडेज ईएमएफ डी फाई बाई डी टी नहीं था, फैराडेज ईएमएफ ये वाला, हाँ वो उसी को ही तो हमने ई डॉट डी एल लिखा था, ये है ना, वो ई था, ये कैपिटल ई, यही तो लिखा था माइनस डी फाई बाई डी टी, और इस चीज को ही तो लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, इसको है ना, वही चीज लिखी है। एक मिनट, ठीक है, क्या पूछ रहा है, फ्राइडेज गॉस एम्पियर का सबका क्रेडिट मैक्सवेल ले गया। अरे यार हाँ, एक्चुअली मुझे भी लगता है, जब भी मैंने पहली बार पढ़ी थी मुझे भी लगा कि सेम चीज को अपना नाम दे दिया है, केवल एक करेक्शन करा है उन्होंने, ये बाकी सब तो हो ही चुका था, बट उन्होंने आई गेस ईएम वेव्स में बहुत सारी चीजें बताई होंगी जो हमारे सिलेबस में नहीं बताई होंगी। फैराडे रोल अप, ओके, ऊपर वाला तो नोट कर लिया होगा ना शायद, ओके जो भी है ना। सब अगेन बस ये याद रखना, बोर्ड वोर्ड में तो 100% बोलेंगे बताओ मैक्सवेल की इक्वेशन लिखो, वो तो चारों इक्वेशन तुम्हें लिखनी आनी चाहिए कि क्या है वो इक्वेशन। बहुत नींद खुल गई है तुम्हारी, बहुत फालतू गप्पे हो रही है। सिर्फ सारी इक्वेशन या कुछ एक्सपेरिमेंट भी है बोर्ड में, आई डोंट थिंक बोर्ड यार, बोर्ड का उतना आइडिया नहीं, मैंने बोर्ड के पेपर मेरे किसी और ने दिए थे ना, बताया था, बोर्ड वोर्ड का ज्यादा आइडिया नहीं है। है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हाँ चौथी इक्वेशन जो है ना उसको और थोड़ा अगर इज्जत से लिखना है, और छोटा लिखना है, इज्जत से क्या लिखना है, हाँ ये आईसी है ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट, तो कॉमन आ रहा है,
पहला वाला आईसी है, दूसरा वाला आईडी है। जो नेट करंट आता है, जो आई का काम है वो आईसी प्लस आईडी करता है। सो इफ यू वांट, क्योंकि हमको ये याद ही रहता है, तब सोच लो कि एक और नई चीज हमने पढ़ ली है, आईसी प्लस आईडी लिख लो उसको, ठीक है। वाले आ गए, तुम लोगों का भी कराएंगे, तुम लोगों के एग्जाम देंगे ना। तो दिस इज अ मॉडिफिकेशन, एम्पियर्स लॉ नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ है ना, क्योंकि मतलब एम्पियर्स लॉ तो पुराना वाला था। सो बेसिकली दिस इज अ मॉडिफाइड, इफ यू वांट, इतना जरूरत नहीं है, मतलब यार डिटेल की जरूरत नहीं है, दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। बोलो 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 बोलो, बड़े आगे कराएंगे तुम्हारा सब, जल्दी बताओ। तो ये वाली कहानी समझ में आ गई है, ये की कहानी समझ में आ चुकी है, अब डायरेक्टली किस पे आते हैं। हाँ, तो हमारे ये सब कहानी के बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या आई है, यूज ऑफ जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे पास एनर्जी डेंसिटी वाली चीज एक बहुत ज्यादा यूज होती है, और ई और बी में जो रिलेशन है एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो अब तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मतलब जो इक्वेशन के टर्म्स, अच्छा अगेन ये एक सेपरेट पार्ट था, इससे कोई लेना देना नहीं है, जितनी ये कहानी बताई ना यहाँ से यहाँ तक, ये सब केवल एज अ थ्योरिटिकल चीज यूज होती है, बहुत ज्यादा इसका वैसा वाला यूज नहीं है कि प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तुम्हें इस पे, है ना। अगर आया भी जबरदस्ती, अगर उन्होंने कुछ ई दे दिया, कैपेसिटर लगा दिया है ना, और कुछ चीजें दे दी, तो हमें बस डिस्प्लेसमेंट करंट का नया वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट, है ना। तो रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन क्या क्या है, एक बार वो एक बार रिपीट करता हूँ, ये हमारा वो सी से रिलेट कैसे करता है। सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एनर्जी डेंसिटी बेसिकली हमें पढ़नी है, और रिसेंटली आई गेस क्लास में मैंने जब ये पढ़ाया है ई एम वेव्स, सॉरी ई एम आई, तब मैंने एनर्जी डेंसिटी की बात वैसे तो करी हुई है, ये पढ़ा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ई और बी में जो रिलेशन होता है वो ई नॉट अपॉन बी नॉट, वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। एक नया फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दिस ई इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, एक नया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सी इंटू मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू सी बी नॉट, ये लिखाया था, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी। दूसरी चीज ये यहाँ पर, अब क्योंकि दोनों में साइन का टर्म एग्जैक्टली सेम टर्म है ना, तो ई अपॉन बी भी हमारे पास ये होता है, ई इज इक्वल टू सी बी, बट ये बस ये इसको ना यहाँ पे मैं वेक्टर साइन ही लगा रहा हूँ, द रीजन इज यार एक हमारे पास अलग डायरेक्शन में है, दूसरा अलग डायरेक्शन में, ई नॉट में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट जब हम ये लिख रहे हैं ना तो यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी ऊपर क्या बताया था, अगर मैं यहाँ पर वाई लिख रहा था तो ये जेड था, है ना। तो अब बस ये याद रखना कि अगर किसी, क्योंकि एक बार ना जेई में प्रॉब्लम पूछा गया था, किसी एक रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई थी ई, ठीक है, और पूछा गया था उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, और वो ई नॉट नहीं था, तो ई इज इक्वल टू सी बी भी याद रखना है, बट ये अलग अलग डायरेक्शन में है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग अप अ वेक्टर साइन हियर। बोलो ये बात समझ आ रही है, बताओ 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 बताओ, ई एंड बी का वेव का शेप कैसा होगा, शेप थोड़ा वो वैल्यूज है ना, शेप का मतलब क्या है, वैल्यूज है भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो साइनोसॉइडल फंक्शन के हिसाब से वैरी कर रही है, दोनों के वेव फंक्शन सेम रहेंगे। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, वेव फंक्शन सेम है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि फेज सेम है दोनों का, ये अंदर वाला साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो लिखा है वो एग्जैक्टली सेम है भाई, मैं आ रहा हूँ सारे प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ, एक सेकेंड रुको, पहले तो एक फॉर्मूला ही नया वाला ये समझ में आ रहा है ना, कि मैं अगर कुछ एक टाइम पास कोई भी इक्वेशन दे दूँ, बी इज इक्वल टू समथिंग वट एवर 2 × 10⁻⁵ sin 50 t प्लस और वट एवर माइनस केएक्स ना, तो 2 × 10⁻⁵
है ना, हमसे पूछा गया है, ऐसे रैंडम क्वेश्चन बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। कुछ बी की इक्वेशन दी है, हमसे बोला गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही फालतू प्रॉब्लम होते हैं वाले। हाँ, और सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट, हर मेरे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸, स्पीड ऑफ लाइट। अब ये वाले प्रॉब्लम में क्या ही करूं मतलब, तो द पॉइंट इज बस अब क्या है, पूरी कहानी लिखी होगी, फंक्शन अलग होकर फिर सेम कैसे होगा इसका। ये फंक्शन जो दिया गया है यहाँ पे, मैं अगर पाई बाई टू ऐड कर दूँ या यहाँ पे कॉस कर दूँ, तो उसी चीज को तो हम फेज बोलते हैं, साइन को कॉस में रिप्लेस तो कर ही सकते हैं, है ना। जैसे अगर एक साइन लिख दिया और एक कॉस लिख दिया, है ना, ये इस टाइप के प्रॉब्लम अगेन आई एम सेइंग कि तुम विल सी कि पूछे गए मेंस में, ऐसा कुछ दिया है ना, बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। हाँ, ओनली 600 साइन क्या होता है ना, केवल 600 वोल्ट अपॉन मीटर और जूल अपॉन व्हाट, कूलम, नहीं फोर्स, न्यूटन अपॉन कूलम, एक ही बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमारे पास या तो न्यूटन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्यू ई लिखा होगा, या फिर डेल्टा वी जो होता है हमारे पास वो ई इंटू आर जैसा कुछ होता है। सो आइदर वोल्ट अपॉन मीटर होगा या फिर न्यूटन अपॉन कूलम होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि क्या गिवन है प्रॉब्लम, है ना, इट डज नॉट मैटर। सो द पॉइंट इज ये जो हमारा है वो बी नॉट दिया है, विच इज 2 × 10⁻⁶, सब ऐसा यूनिट में लिखा होगा, टेस्ला एस्ला टाइप कुछ लिखा होगा, और हमें क्या पूछा गया, ई नॉट विच इज सी इंटू बी नॉट, दैट्स इट। ऐसे प्रॉब्लम और कराने की जरूरत है जहाँ पे मैं वैल्यूज दूँ और तुमसे ये सब सवाल करूँ, डू यू थिंक इट इज नीडेड, जल्दी उठाओ, है ना, ऐसे प्रॉब्लम नहीं करूँ चलेगा ना, है ना। केवल हमारे पास आउट ऑफ दी दो, एक दो चीजें दी होगी या एक ही चीज दी होगी, सी तो हमें पता ही है ना, कोई एक चीज दी होगी उसी चीज पूछी जाएगी, है ना। अब वो हो सकता है डायरेक्टली उस फॉर्मेट में दे दिया, या फिर जो मैं बता रहा था जो प्रॉब्लम पूछा गया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ई की वैल्यू दी है, अभी इट इज नॉट नेसेसरली हैज टू बी ई नॉट, है ना, हो सकता है ई दिया हो, है ना, तुमसे बी पूछ रहे हो उस जगह पर, तो भी वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट, ठीक है। ये चीज एक और है जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है, विच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन ईयर वेव्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सुनना ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अच्छा, आई होप सबको ये कहानी याद होगी, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी फॉर्मूला, है ना, यू अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल यू डिनोट किया था अपॉन वॉल्यूम, अभी मैं उसको वॉल्यूम लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा था तो मैं यहाँ ई लिख रहा हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ा था तो मैं यू बी लिख रहा हूँ उसको, बट वो पर यूनिट वॉल्यूम याद किया था, बी स्क्वायर बाई 2 μ₀। याद है दोनों फॉर्मूले, हमने आई थिंक डेरिवेशन भी मैंने बताया, मतलब अगेन एज ऑफ नाउ नॉट नीडेड बट शायद बताया। हाँ, तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आई मैंने बताया तो बताया ही होगा उसको, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, याद है कहानी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी थी तो हम इस टर्म को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जल्दी बताओ ये दोनों चीजें याद हैं, है ना, यू अपॉन बी या डी यू अपॉन डी वी लिखा होगा, ऐसा ऐसा कुछ चीजें लिखी होंगी क्लास में, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, जो हम जहां से हमने स्टार्ट करा था, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, ठीक है, दोनों चीजें साथ में करते जाते हैं, और बी क्या है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है ये, अरे ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है हमारे पास, या तो हम उसको न्यूटन अपॉन कूलम लिखा होगा, किसी ने आंसर में एक्चुअली वो लिखा था यूनिट, है ना, या फिर वोल्ट अपॉन मीटर लिखा होगा, वो कुछ भी हो सकता है ना, तो यूनिट से कंफ्यूज मत होना, वो बता रहा था, किसी ने आंसर में डायमेंशन गलत लिखी थी, है ना, ओके।
सो ये है, तो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, यू ई अपॉन वॉल्यूम हाफ एप्सिल नॉट कॉन्स्टेंट, ई स्क्वायर की जगह लिखूंगा ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है ना। तो कई बार ना अब ये U कैपिटल U जब हम लिखते हैं ना, है ना, तो फिर हम लिख देते हैं टोटल एनर्जी के लिए, जब इस पूरी चीज को ना कई बार छोटा U लिख देते हैं। अब वही छोटा U और बड़ा U ना सब सेम ही दिखता है यहाँ पर, इसलिए तकलीफ है, बट है ना वो बड़ा और छोटे में थोड़ा सा देख। तो ये बाई डिफॉल्ट पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, नाउ याद करने की कोशिश करो अब ये सब कहानी। अच्छा, मोस्टली लोगों का एसी कंप्लीट हो गया है, कुछ लोगों का एसी कंप्लीट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा एक चीज ये बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है, यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा है ना, एवरेज वैल्यू को हम या तो स्क्वायर ब्रैकेट से या फिर हम ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है, और इसकी एवरेज वैल्यू होती है हाफ। अच्छा, जिसका एसी बाकी है ना, है ना, उसका उसका ये बाकी होगा। अंधेरी में एसी कंप्लीट हो गया है ना मोस्टली, राइट, न्यू ओनली यूपी वालों का बात, अंधेरी का भी बाकी है। अच्छा ओके, अब ये भी एवरेज वैल्यू पे नहीं जा रहे, एज ऑफ नाउ याद कर लो, आई गेस अभी इस वीक में ये क्लास कंप्लीट होगी, है ना, वो हो जाएगा। तो बस इतनी चीज याद रख लो कि साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हाफ। उस पर भी डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि उस पर एक क्लास पूरी ही हम पूरा उस पर ही बैठने वाले हैं, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। सो ये जो चीज है, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट टी नॉट स्क्वायर आ रहा है, इसकी एवरेज वैल्यू इज हाफ, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। यहाँ पर ई स्क्वायर था, है ना, अभी ई स्क्वायर में टर्म आ रहा था साइन स्क्वायर का, और उसकी एवरेज वैल्यू आती है हाफ, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना। सेम कहानी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट स्क्वायर बाई दिस, यहाँ पर भी अगर मैं टर्म यूज करूंगा तो यू बी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स जैसा कुछ आएगा अपॉन टू म्यू नॉट, है ना, इसी को ही हम लिख देते हैं छोटा यू इंटू बी पर यूनिट वॉल्यूम को। और अगर मुझे उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की वापस से एनर्जी 1/4, तो यहाँ पर आ रहा है बी नॉट स्क्वायर बाई फोर म्यू नॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये दो नए फॉर्मूले जो हमारे पास एनर्जी के आते हैं। बोलो, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है ना, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये हमारे पास यार है, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, विच इज हाफ। इंपॉर्टेंटली दिमाग में क्या याद रखना, जो ये फॉर्मूले याद रखते हैं ना, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, जो टोटल हमारे पास एनर्जी आती है वो आती है ये, सो दिस इज नेट एनर्जी डेंसिटी, नेट। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी जैसे तुम्हें याद आएगा ना तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सो नेट एनर्जी, नेट एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव्स। सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बाद फ्री पोटेंशियल एनर्जी होती है यार, अगर इफ यू आर स्पेसिफिकली आस्किंग ना, मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है एक्चुअली, मैग्नेटिक फील्ड ना, क्योंकि कुछ जो स्टैंडर्ड रूल्स बताए गए ना, तो कहीं कहीं पे कंजर्वेटिव लिखा रहता है, कहीं कहीं नॉन कंजर्वेटिव, स्पेसिफिकली वो नॉन कंजर्वेटिव है, थोड़ा सा है वो डिबेटेबल सा चीज है वो, क्योंकि हम वो लूप की बात करते हैं ना, लूप वर्क डन जीरो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लगती ही परपेंडिकुलर है तो बाय डिफॉल्ट ही जीरो होता है, तो कुछ चीजें हैं अजीब सी, बट उससे क्या लेना देना, इससे यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है,
बताऊंगा, थोड़ा सा ऐसा डिस्कशन है वो साइंटिफिक। ओके, तो एक चीज ये याद आई, अब ये दो जो टर्म आ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जो हमारे पास, अगर मैं यू ई की बात करूं, ठीक है, वो आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। हमने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा, ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ई नॉट को रिप्लेस करूँ तो ये क्या लिखा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की जगह लिखा हूँ सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। सी हमने अभी अभी क्या देखा था, 1/√ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सी की जगह अगर मैं ये रिप्लेस करूँ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा ही है, सी स्क्वायर इज 1/एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू बी नॉट का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये गायब, ये गायब। अच्छा, जब तक हमने ऑब्वियसली साइन कोसाइन का फैक्टर नहीं लिखा है तो वो एवरेज वैल्यू की ही बात हो रही है। टू मेनी इंटर रिलेटेड फॉर्मूला, बट सॉल्व करोगे ना एक बार, ट्राई सॉल्विंग थिंग्स, सेम आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, ये गायब, ये सेम ही आ गया, ये एग्जैक्टली दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी द सेम। सो जो यू ई आता है और या फिर यू बी आता है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है ना। सो यू ई एंड यू बी, ये सारी चीजें सेम आती हैं। सो याद क्या रखना है, यू ई यू बी ये सब सेम आ रहा है, जो उनकी जो एवरेज वैल्यू है, इट कम्स आउट टू बी द सेम। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज डिफरेंट। यस, भाई ये यहाँ पे ये सिंबल, ये कॉन्स्टेंट चीज है, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जब बोल्ड लेटर में बना रहा हूँ वो ई के लिए बना रहा हूँ, तुम लिख लेना, और जब ये कर्व वाला बना रहा हूँ ये परमिटिविटी के लिए। हर जगह पे बहुत आई एम वेरी केयरफुल कि यहाँ पे दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग दिखें, है ना, बिल्कुल ये अलग चीजें यार। हाँ, नेट टू लिख सकते हैं, यस, हम वही कर रहे हैं। हाँ, ये वाली चीज है। अब एक चीज यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो। हाँ, एक बार साथ में लिखते जाओ, छोटा कर रहा हूँ, साथ में लिखते जाए सबका। सो द एनर्जी इन ईएम वेव इज इक्वली डिवाइडेड इन बोथ, ईएम वेव इज इक्वली डिवाइडेड, ये टोटल एनर्जी है ना, वो बराबर बराबर है, डिवाइडेड इन टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख लिया है, थोड़ी सी आई नीड लिटिल बिट मोर स्पेस। लिख दीजिए एक मिनट, ये हटा के ऊपर, ये नोट हो चुका है क्या, 5 मिनट ब्रेक क्या करोगे। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, 5 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ मैं, बस इसको ऊपर 1 मिनट ऐड करके लिख देता हूँ। ऐड करके क्या लिखना है, छोटा सा दे रहा हूँ रूल। सुनो, बस इसको ये लिख लो, से जो हमारे पास ये यू नेट लिखा है, ये लिखा है 1/4 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें सेम आ गई हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं, या फिर इसी को ही बी नॉट स्क्वायर बाई टू बी नॉट लिख सकते हैं, है ना। ये याद रखना, इस पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल, और ये स्टेटमेंट याद रखेंगे बस। डन, देन यू विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ यू नॉट यू बी नॉट, 1/2 आ जाएगा, है ना, अगर यूनिट अपॉन किसी यू बी कुछ भी करोगे। अच्छा, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, यू आर आस्किंग, नो,
है ना। सो बेसिकली ये दोनों बराबर है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होती है टोटल एनर्जी में, आधी आधी है ना। तो हो सकता है तुम्हें अगर ये दे दें तो तुम्हें पता लग जाएगा ये है, तो दोनों का डबल कर दो है ना, या किसी पर्टिकुलर जगह कुछ नहीं बोला गया तो हमेशा हम नेट की बात करते हैं, इफ नॉट मेंशन। डन। रुको 2 मिनट। ओके हाँ, तो तुम ब्रेक ले लो तब तक नोट कर लो। ओके डन, ब्रेक में नोट कर लो तुम। ओके सो इट्स टाइम इज 9:20, सो 9 व्हाट, थोड़ा ही सा बाकी है, 14:30। ओके खत्म हो जाएगा, चलो ओके 9:30 फिर डन करो, नोट कर लेना लेकिन तब। अच्छा ओके।
सुनो, क्या दो चीजें और हैं यार जल्दी जी से? तो दो चीजें और हैं, वन इज जिसमें प्रॉब्लम बनते हैं, वन इज दिस एंड सेकंड इज इसी केस से ही रिलेटेड फॉर्मूला इंटेंसिटी का। सो एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का याद करना और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्पेक्ट्रम, फिर मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ओके सो फॉर्मूला इंटेंसिटी हमारी डिफाइन कैसे है, कैसे डिफाइंड है नहीं पता। इन जनरल इंटेंसिटी डिफाइन कैसे करी गई है? पावर अपॉन एरिया, या तो हम विच एरिया, जितने एरिया में वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर उसको ही हमने डिफाइन करा है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट ना? जैसे पुरानी चीजें हमने पढ़ी हुई है, वैसे कि सपोज एक बल्ब है यहाँ पे जिसकी पावर पी है। अगर मैं तुमसे पावर पी मतलब पावर पी समथिंग वॉट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर 50 वॉट का बल्ब है तो 50 जूल पर सेकेंड एनर्जी वो निकाल रहा है। अगर वो एरिया सपोज वो सेंटर पे रखा है, पॉइंट सोर्स जैसी कहानी है ना? तो इस जगह पर हमारे पास इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड, ये सब चीजें पता है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ एक बार। पावर अपॉन जितने वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। इस टाइप की कहानी समझ में आती है ना, कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया टाइप की कहानी हमारी इंटेंसिटी होती है ना? सॉरी मैंने क्या किया, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब? नहीं भाई, एरिया कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, ये एनर्जी जो निकल रही है लाइट कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, स्फेयर का एरिया आएगा, वॉल्यूम थोड़ा आएगा। पॉइंट सोर्स रखा है सपोज सेंटर पे, मैं आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पूछना चाह रहा हूँ, तो एट अ डिस्टेंस आर है ना कितनी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, राइट है ना? तो वो वाली टाइप की कहानी। तो अब समझना ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ है ना। अगर इंडिपेंडेंट की बात करूंगा तो दोनों आधे आधे में डिवाइड करना है, अगर मुझे टोटल याद है दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो मैं अगर एक सर्टेन एरिया की बात करूँ, समझना ध्यान से, कि हमारे पास इस टाइप से कुछ कहानी है, सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, फट से सुन लो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। ये है ए और एल, तो हमने क्या बोला, जो एनर्जी हमारे पास टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम विच इज ए इंटू एल जैसा कुछ, इसके बराबर है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के। तो हमारे पास यू नेट क्या आएगी, टोटल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। जल्दी से अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, आई से लिखते हैं उसको, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यहाँ पे टी सिंबल कहीं यूज नहीं किया है ना हमने, है ना? टी इज फॉर टाइम, केवल डेरिवेशन भी कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ बस। केवल तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू टाइम, ये गायब ये गायब। एल अपॉन टी जो है, इट इज समथिंग लेंथ अपॉन टाइम, वो लेंथ कितनी स्पीड से ट्रेवल हो रहा है, विच इज बेसिकली द स्पीड विद विच इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग। तो याद क्या रखना है अपने को, इनटू सी से तो फॉर्मूला नेट, अच्छा हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, या फिर अगर हम बी के टर्म्स में बात करेंगे तो बी नॉट स्क्वायर बाई 2 μ0 इंटू सी। सो जो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने याद ही किया हुआ है, उसको केवल सी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। और सर वो डायग्राम नहीं दिख रहा है ऊपर विच वाला? डायग्राम? अच्छा डायग्राम कुछ है नहीं मतलब, ओके है ना? सो फॉर्मूला क्या याद रखना है, हमें नेट इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो जो हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद किया हुआ है उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, है ना? मतलब सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, ये चीज क्यों बताई, कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक जगह पर मुझे एक सोर्स दिया गया है ना, और वो अगर मैं आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी पूछ रहा हूँ, तो हमें 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा उसके पावर से रिलेटेड, और फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, अच्छा प्रॉब्लम कैसे होते हैं, इस पर सब वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम होता है। तो बट इफेक्टिवली सी से मल्टीप्लाई करना है मुझे, अगर उस जगह पे एम्पलीट्यूड पता है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। डन,
लास्ट थिंग दिस इज इन टर्म्स ऑफ याद रखने वाली चीज में, हाँ बार मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म वाली शीट, शीट मतलब जो लास्ट क्लास हुई थी। अच्छा ओ नहीं भेजी, ओके मैं भेजता हूँ। ओके सो लास्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन से बार गए यार। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं जो वो चीज है, तो उसको ना हमने एक क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा है, मतलब अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमने उसको अलग अलग कैटेगराइजेशन में डिवाइड करा है। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने का बहुत ज्यादा नहीं है, और ये मुझे लगता है कि एक बार एक राउंड ऑप्टिक्स में वो स्पेक्ट्रम बताया गया है, ठीक है। सो बस केवल ये याद रखना कि किसका ऑर्डर याद रखना, कि रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो के बाद आती है माइक्रोवेव। केमिस्ट्री में हुआ है ना, हुआ है ना पूछ रहा हूँ, मुझे कैसे पता, हुआ होगा यार, ये सब बहुत बार आता है, रेडियो वेव देन माइक्रोवेव देन इंफ्रारेड, ये बाद आता है विजिबल, रेडियो माइक्रोवेव के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा, एक्चुअली मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, क्योंकि ना ये अल्ट्रा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ठीक है चलेगा, अल्ट्रा एक्सरे, वायलेट, फिर एक्सरेज, एंड लास्ट इज गामा, राइट, हाँ गामा रेज, गामा। और बाद में कॉस्मिक रेज भी होता है ना। हाँ इसके लास्ट में कॉस्मिक आता है। हाँ ओके यार, ये एक्चुअली मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा है एक्चुअली, ठीक है चलेगा, ये एक्चुअली गामा है ना, GMM। अच्छा ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है, या फिर फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज कर रही है, या फिर करस्पॉन्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ना। एक्चुअली ना मुझे उल्टा लिखना था, थोड़ा सा याद कराने के लिए। ओके सो द पॉइंट इज, कहने का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा लिख दिया मैंने ये, तो ये विजिबल वाली जो कहानी है वे प्योर उल्टा हो गया एक्चुअली यहाँ पे, तो VIBGYOR। अगर मैं उल्टा कहानी लिखता ना, पहले गामा लिखता है ना फिर एक्स लिखता, सो पॉइंट इज अगर मैं, तो विबग्योर सीधा आता। ओके सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मैं यहाँ गामा लिखता फिर एक्स रेज लिखता फिर अल्ट्रा वायलेट है ना, तो मैंने एक्चुअली वैसे याद किया हुआ है अल्ट्रा वायलेट, तो मैं अगर केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, और फिर यहाँ पे अगर विजिबल लिखता है, जो हमारा 4,000 से 7,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइट होती है, विजिबल इंफ्रारेड देन माइक्रोवेव के बाद रेडियो, तो रेशियो नहीं रेडियो, अरे यार जब तुम्हें पता है, ठीक है। ओके सो दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, या फिर फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके सो द पॉइंट इज, हाँ तो अगर मैंने विजिबल ये लिखा है, नाउ वी कैन राइट इट लाइक अ विबग्योर, तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये सब कहानी अगर पढ़ी हुई है, सो रेड की हमारे पास, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, सबसे लेफ्ट वाला होता है अप्रोक्सीमेटली 4,000, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, दिस इज 7,000 लिखते हैं, या कुछ एक्चुअली 8,000 तक हमारी आंखें देख सकती हैं अप्रोक्सीमेटली दिस, देन अल्ट्रा वायलेट, ये वाली सारी कहानी। और अच्छा एक चीज, एक काम ये करना कि थोड़े से ना इसके यूजेस जो है ना एनसीईआरटी में या इन सब जगह दिए हैं, तो यूजेस एक बार बस देख लेना,
कि क्या क्या यूजेस हैं इन सब चीजों के। एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो ये वाली चीज है ना, थोड़ा सा यूजेस देख लेना किसके क्या क्या है, ये सब तुम्हें पता है। एक्सरे का यूज पता ही है, जैसे जैसे मगर गामा रेज बहुत हार्मफुल होती है, रेडिएशन में यूज होती है, ये सब चीजें है ना। अब यूजेस आई गेस केमिस्ट्री में पढ़े हैं क्या इसके, यूजेस क्या होते हैं यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ पर अलग अलग जगह पर यार मेडिकली बहुत सारा यूज होता है और ये सब कहानी होती है। वो इसे चाहिए, अब तुम्हें उसे मिला, यहाँ तक कहानी सही है, समझ में आ गई है सब, है ना। तो प्लीज गो थ्रू विद द यूजेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स वन, ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। इस पर प्रॉब्लम पूछ जाते हैं कि एक बार मैच द फॉलोइंग में ऑर्डर पूछा गया था, चार इधर पे कोई आउट ऑफ दीज फोर लिखे थे और वहां पे चार लिखे थे, तो एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है हमें, बस एवल इतना ही याद रखना है। तो वही बता रहा हूँ, तो हमें एग्जैक्ट एक्चुअली मुझे भी नहीं याद है ना, ये विजिबल वाला बस केवल हल्का सा याद रहता है और वो भी थोड़ा सा वेरिएबल है, 7500 के आसपास जाता है ये वाला। बट अगर हमें ऑर्डर याद है तो अगर मैच द फॉलोइंग जो आया था ना, हमें पता लग जाएगा कि इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका है, तो वो वाली चीज हमारे पास वहां पे काम हो जाता है। ठीक है कहानी समझ में आ गई है ना, तो वो चीज याद रख लेना, यूजेस पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा एक बार प्रॉब्लम पे आना चाहता हूँ वापस से, कि किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे गए या पूछे जाते हैं। कर लिया ये नोट, हो गया जल्दी, मिनट एक ही मिनट, ओके एक ही मिनट ले लूँ। अच्छा तुम्हें ही बताना है, मैंने सारी चीजें बता दी, मैं थोड़ा सा बस 5-10 मिनट ना, केवल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा सॉल्व मत करना, बस बताते जाना कि क्या है। केवल इक्वेशन लिख लिख के बताते हैं, मतलब बस केवल चेक कर लो अभी यार। हाँ ओके, तो मैं ऑप्शन अब नहीं दे रहा हूँ या नंबर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो लिखने में या कैलकुलेशन में टाइम लगेगा है ना। ओनली चेक की आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कुछ लिखा है जिसको चेक करना है, और एक बार चेक कर लो तुम अपने हिसाब से यार। अब अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर ना ई नॉट दिया है, अभी ऑप्शन में हो सकता है मोस्टली, क्योंकि स्टैंडर्ड चीजें क्या है, या तो सी लिखा होगा है ना, क्योंकि बी नॉट का एम्पलीट्यूड चाहिए, या तो सी के फॉर्म में लिखा होगा या फिर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखा होगा, तो वो डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंट चीज टू बी ऑनेस्ट, केवल डायरेक्शन से हमारा आंसर आ जाता है, जो भी डायरेक्शन है, तुम्हें वो सोचना है कि वो वाला फैक्टर क्या आएगा। अच्छा अभी किसी का आंसर, यार अभी अभी बताया है, सोचो यार तुम, जो ही गलत पार्ट गलत किसने दिया, श्रेय तेरा सही है, तुषार गलत, अभी बताया अभी समझाइए कहानी। टाइप ऑफ प्रॉब्लम कुछ पूछा गया है यार जी में, शायद कुछ तो है ऐसी वाली कहानी जो पूछी गई है, कुछ है नहीं यार बहुत ज्यादा। गलती क्या कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या कहानी बताई, इसका मतलब क्या है, आगे किसी और का आंसर आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, सही आंसर एक ही आया है बस। अच्छा मुझे जब तक तुम डायरेक्शन नहीं बताओगे ना, हाँ श्रेय तेरा ही सही है भाई, क्या 100 बार बोलूँ क्या, क्या बोलूँ, बाकी सब नील गलत है अभी। अच्छा वही अभी स्टार्टिंग में जो एक चीज बोली ना, वही मिस आउट कर रहा हूँ फिर से, अद्वित गलत यार, गलत है गलत,
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड सुनना ध्यान से। अच्छा मुझे पहली चीज बताओ, वेव जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, आई प्लस जे में, मतलब एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में उसका वेरिएशन हो रहा है, मूव नहीं हो रही है, मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, ये जेड का मतलब क्या है। बिल्कुल स्टैंडर्ड ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं लिखूंगा, पहली चीज तो इस जेड का मतलब क्या है कि वेव इज ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन, प्लस जेड और माइनस जेड, इस चीज से मैं क्या पता करूं। एक मिनट सुनना, व्हाट आई एम सेइंग इज, जो ये इंफॉर्मेशन गिवेन है मेरे को, ये इससे मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे लिए आ रही है कि वेव इज ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन। अब प्लस जेड है या माइनस जेड है ये साइन से पता लग रहा है, एक प्लस और एक माइनस, तो ये प्लस जेड डायरेक्शन। दूसरी चीज है ना, ये समझ में आ रहा है ना, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पार्टिकल हैं वो किस डायरेक्शन में हमारे वेरी कर रहे हैं वो मुझे पता लग रहा है इससे, किससे, इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल हमारे एक्स वाई प्लेन में, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, जो कि होने चाहिए और हैं। क्या बोला अभी अभी, बी की डायरेक्शन बतानी है राइट। अच्छा एक मिनट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्शन हमने डिफाइन कितना क्या याद रखना था, डायरेक्शन जिसको हमने नॉर्मली अगर एस वेक्टर एक चीज समझाना चाह रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ये थी ई क्रॉस बी, पूर्व वाला भी गलत है, ओके, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन थी ना, तो अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ एस लिखा है यहाँ ई लिखा है, हमें नॉर्मली क्या दिया जाता था, ई दिया जाता था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वेक्टर की शायद तुम भूल गए, हमें नॉर्मली ई दिया जाता था, बी दिया जाता था, हम ई क्रॉस बी कर लेते थे। अब मुझे उल्टा दिया है, क्या ई का डायरेक्शन दिया है समथिंग लाइक प्लस के क्या, और मुझे ई का डायरेक्शन क्या बोलूं, ई का डायरेक्शन दिया है आई प्लस जे, वेव जेड डायरेक्शन, ये हमारा वेव प्लस जेड डायरेक्शन में मूव हो रही है। एक मिनट, अच्छा एक चीज वापस समझना, ये जो है ई का वेरिएशन है ना, तो जो हमारा ई का वेरिएशन वाला वेक्टर है वो आई प्लस जे है, और जो हमारा काइंड ऑफ एस वेक्टर है जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रही है वो हमारा प्लस के कैप है। यहां तक बात समझ में आ रही है, एक मिनट एक मिनट, ये बात समझ में आ रही है ना, अभी भी गलत आ रहा है पार्थ, अभी भी गलत पूर्व, तो मैंने ध्यान से एक मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये समझ में आ रहा है कि वेव का जो मोशन है वो प्लस के कैप है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पार्टिकल है उनका जो वेरिएशन है वो आई प्लस जे है। यहां तक समझ आ रहा है, सिर्फ जे भी नहीं है, अच्छा मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है वो समझा रहा हूँ। नॉर्मली ना तुम्हें क्या आदत है, तुम्हें अगर ई बता दिया जाए डायरेक्टली, बी बता दिया जाए, तो तुम ए क्रॉस बी करके तुम एस निकाल ले, मैं बोल रहा हूँ उल्टा, अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें एस दिया है मैंने, ई दिया है, बी कैसे निकालें भाई, याद रखो ये वाली कहानी, ये सबके लिए वैलिड है, आई जे के, ऐसा वाला होता है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, यहाँ पे एस ई एंड बी लिखा है, तो समझो ध्यान से, एस लिखा है, ई लिखा है एंड बी लिखा है, ऐसे सोचो। अब मुझे एस ई बी अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा। अब देख लो तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें दिया गया है प्रॉब्लम में एस एंड ई, एस और ई दिया गया है ना, मुझे बी निकालना है, तो एस क्रॉस ई करोगे तो तुम्हारा बी आएगा, इफ यू आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एस क्रॉस ई करने पर हमारे पास बी की डायरेक्शन आएगी। आप निकाल लोगे, एस दिया है के कैप क्रॉस आई प्लस जे, दिस शुड बी योर आंसर ऑफ बी, तो वो क्या आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो आएगा प्लस जे, एंड के क्रॉस जे करेंगे तो आएगा माइनस आई, तो दिस वुड बी द ऑप्शन में ना, ये वाला ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। और दूसरी चीज ये हमारा, ये तो हमारे पास बी का वो आ गया है ना, अभी वो प्रॉब्लम में क्या दिया है उस पर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें आंसर सी के टर्म्स में दिया है, वो हमें पता है यार, ई नॉट इज इक्वल टू सी इन टू बी नॉट होता है, अब हो सकता है कि सही में सी दिया हो सकता है वो 1/√ ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दिया हो, ये डिपेंड कर रहा है। सो द पॉइंट इज, अगर बी नॉट ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा है, और कई बार ना केवल इतने से ही काम चल जाता है, सही बताऊं तो पता है, आउट ऑफ चार ऑप्शन ना कम से कम दो ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पर जो बी नॉट का मैग्नीट्यूड है वो कुछ ऐसा लिखा होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई दिस, वो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरी चीज ये, जो अंदर का पूरा माल मसाला है ये पूरा, ये हैज टू बी द सेम, ये तो पूरा पूरा सेम रहेगा ही रहेगा। कृष्णा ई नॉट बी जीरो होगा लेकिन उससे हम क्या फायदा निकाले क्या, अच्छा वो क्रॉस चेक करने के लिए, हाँ यू कैन डू दैट,
बट वो हो सकता है दो ऑप्शन में मैच हो जाए। अच्छा क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये समझ में आ रही है, ई क्रॉस बी से तुम्हारी डायरेक्शन निकल रही थी वेव की, है ना, अगर मुझे ई और बी दिए तो बहुत आसान काम है, जस्ट इन केस अगर आउट ऑफ ई एंड बी मुझे एक ही दिया है और डायरेक्शन दी है, तो उससे दूसरी चीज कैसे निकालोगे, रिमेम्बर दिस थिंग, एस ई बी इसी ऑर्डर में होंगे नॉट उल्टा, तो अगर तुम उल्टा कर रहे हो तो यू हैव टू पुट अ माइनस साइन। बताओ यहां तक कहानी समझ आ रही है, जल्दी बताओ, किसी को डाउट लग रहा है क्या, है ना, तो अभी क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखोगे, ये वाली क्या है ध्यान रखनी है, और तो किस फेस में ध्यान रखना है ना, तो प्रॉब्लम अब हम यहाँ पे अगर मैं नंबर दे दूँ तो कुछ और हो सकता है, एक आध और प्रॉब्लम दू क्या ऐसा वाला, ये समझ आ गया है, इज दिस क्लियर और शुड आई गिव वन मोर प्रॉब्लम। दे दू, अच्छा नंबर के टर्म से दे रहा हूँ प्रॉब्लम, लिख रहा था अच्छा लिखना था, ओके अच्छा तुम लिखो तो मैं पॉज करती हूँ, ओके नोट कर लिया है, आविष्कार डब्ल्यू बाई सर हो के गया। ओमेगा बाई के सी होगा, यस ओमेगा बाई के सी होगा, यस ओके। एक बी दिया है, तुम सोचो कि क्या दिया है, क्या निकालना है, ई निकालना है, तुम ऑप्शन दिए होते ऑब्वियसली थोड़ा आसान होता, ये भी जेई में पूछा गया प्रॉब्लम है, सब मेंस के प्रॉब्लम है, मेंस और नीट वाले प्रॉब्लम है इस टाइप के सारे, प्रॉपरली वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सोचो तो श्रेय बढ़ा दीजिए, खत्म है भाई चैप्टर ही खत्म, इसमें था ही नहीं उतना, क्या ही बताऊं। अच्छा तो इम्पोर्टेंट चीज वही है, ये तुम्हें देखना है कि वो फैक्टर क्या आ रहा होगा, हाँ पार्थ अभी सही है, नहीं अभी सही, हाँ अभी सही 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 सॉरी सही, श्रेय अभी गलत है, हाँ सही सही उन्नति सही है, इसको साइन में लिखना पड़ेगा क्या यार, वो डिपेंड कर रहा है ऑप्शन में, वैसे मोस्टली ना नहीं करते हैं काम, मतलब अगर साइन में लिखोगे तो वो 5/2 + 5/2 - 5/2 कुछ करना पड़ेगा, नॉर्मली पॉइंट ये साइन में मत लिखो, बट ये चीज पूरी सेम रहे, यस साइन में मोस्टली नहीं रहे, मतलब कंफ्यूज करने के लिए साइन दे दें तो फिर वो एड एड करना पड़ेगा, बट नॉर्मली नॉट द केस। सो द डायरेक्शन इज पूर्वन डायरेक्शन गलत है, ये भी तेरी जूई गलत है, डायरेक्शन यार एस क्रॉस बी दोनों करेक्ट है, एस क्रॉस ई गिव्स बी, एस क्रॉस बी गिव्स ई, एक मिनट दोनों कैसे सही हो सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा ना, एस ई बी है ना, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी है ना, एस ई बी का ऑर्डर है, एस क्रॉस ई बी दे रहा है ये सही है, एस क्रॉस बी, एस क्रॉस बी के लिए तुम उल्टा घूम रहे हो तो माइनस ही देगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, आई जे के वाली कहानी है ना, प्लस जे और माइनस जे अलग अलग कहानी है ना,
अच्छा नहीं, फैक्टर आता है प्लस 2j माइनस आई का, याद। अच्छा तो पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट चीज, किसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें कैसे पता। अच्छा आउट ऑफ दिस हमें एक तो b दिया है और दूसरा मुझे s दिया है, ये कैसे पता s दिया है। यहां से हमें z दिया है ना यहाँ पर, तो पहली बार तो z डायरेक्शन में मूव हो रहा है, प्लस z और माइनस z दोनों में प्लस साइन, तो जो हमारे पास वेक्टर s वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो माइनस k कैप है, ये समझे। तो कैसे पता, ये z से मुझे पता लग रहा है कि वो z डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, इसलिए वो माइनस z डायरेक्शन। दूसरी हमें b की जो डायरेक्शन दी है वो दी है 2i+j, वो प्रॉब्लम में गिवन। अब देख लो मुझे क्या निकालना है, s और b से e निकालना है, तो b क्रॉस s करेंगे तभी आएगा। क्लॉकवाइज अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो b क्रॉस, अगेन क्या मैं ये याद रखता हूँ ना, मैं ये याद रखता हूँ s, ये चीज याद रखता हूँ इसकी, और फिर देख लेता हूँ कि क्या है। सो b एंड s है ना, तो b क्रॉस s से डायरेक्शन आएगी मेरी। अब देख लो यार, अब इसमें क्या वेक्टर क्या बताऊं, b दिया है 2i- सॉरी +j एंड s दिया है मुझे -k, एक माइनस इधर लिख दो और k जो भी आ रहा, देख लो जिसकी जो गलती थी, एक माइनस हटा रहा हूँ, i और j नहीं सॉरी i और k आ जाएगा -j, तो -2j आ जाएगा, प्लस j और k हो जाएगा प्लस i, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 2i-j। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, जो तुमने वो निकाला होगा क्या ई नॉट, वो निकाला होगा सी इंटू बी नॉट करके, तो सी इंटू बी नॉट जो भी करेंगे तो 43.8, हाँ वो जो भी है वो फैक्टर आ जाएगा, है ना, 4800 आएगा, नहीं 480 आएगा, है ना। अच्छा दूसरी चीज, ये चीज भी एग्जैक्टली एज इट इज रिपीट हो जाएगी, सॉरी ये चीज बोल रहा हूँ, ये चीज एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगी यहाँ पर, इसमें यूनिट वेक्टर के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है ना। तो हमारा इसका बी का जो मैग्नीट्यूड, अगर मैं तुमसे पूछूं बी नॉट क्या है, तो वो एक्चुअली ये नहीं है, वो दिस इंटू इसका यूनिट वेक्टर है। अगर मैं इस प्रॉब्लम में तुमसे पूछूं व्हाट इज बी नॉट, तो इट इज नॉट 1.6, वो काम इसलिए कर गया क्योंकि तुमने इसको 480 लिखा और यहाँ पर 2i-j लिखा, एक्चुअली बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है इंटू इसका यूनिट वेक्टर विच इज √5। आंसर में वो मैच क्यों हो जाता है, क्योंकि जल्दी में जब हम करते हैं तो हमारा ये आता है, यहाँ पर भी तो इसका भी तो यूनिट वेक्टर √5 है, तो इसलिए डजेंट मैटर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना, जस्ट इन केस अगर पूछा गया, बट इससे फर्क नहीं पड़ता इन टाइप के प्रॉब्लम में। फाइनल आंसर यही आएगा आई गेस, 480 आ रहा है ना, 480 आएगा, कॉस आएगा, ये तो रिपीट ही कर दो, 2 × 10⁻⁷ z + 6 × 10⁻¹⁵ t, और यहाँ आएगा 2i-j, ऐसा कुछ आएगा, चेक कर लेना यार, मतलब कुछ कहीं गड़बड़ ना करिए, आंसर विल बी लाइक दिस। समझा। अच्छा एक टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ना जो मैग्नेटिज्म से रिलेट कर देते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को क्या, 2j-i ना मैंने क्या लिख दिया है, सॉरी 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 बोल दो अपना फेवरेट डायलॉग, रणवीर के किया मैंने, ओके तो ये क्या लिखा है 2j-i, अच्छा तो नीचे भी 2j-i, ऑब्वियसली जानवीर के किया मैंने, है ना, समझ में आ गया ना यार। ओके एक सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जो मैग्नेटिज्म से रिलेट कर देंगे, क्या कि किसी एक सर्टेन टाइम पर अगर मैं बोलूं एक पार्टिकल, सेम प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन पे रखा है, क्यू चार्ज का पार्टिकल है जो कि ओरिजिन पे रखा है, और उसको हमने किसी एक सर्टेन स्पीड से फेंका और हमसे बोलेंगे कि बताओ उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो ना एक क्यू चार्ज का पार्टिकल सपोज ओरिजिन पे रखा है 0,0,0 पर, और हमने उसको एक सर्टेन स्पीड से फेंका, तो उसको बोलेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब समझना कि क्या बोल रहा हूँ, 0,0,0 पर t = 0, तो 0 डालो, 0 डालो तो इससे b की वैल्यू मुझे पता लग गई, है ना, तो फोर्स हमें पता है क्यू वी क्रॉस बी, अब क्यू वी भी मत बोलो, वो v के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्यू वी क्रॉस बी, या चार्ज का क्या चार्ज है, प्लस है माइनस है, वो सब कहानी है। तो द पॉइंट इज मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर से मुझे बी निकालना आ गया है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे अलग होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है उस जगह पर तो हमारे पास वो क्यू इंटू ई। तो द पॉइंट इज वो वाले सारे प्रॉब्लम्स पुराने वाले ही हैं, इट जस्ट कि अगर मुझे बी और ई दे दिया है तो उसको बस केवल यूज करना है, कि अगर मुझे वेलोसिटी दे दी है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड दे दिया है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए उसको बस क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई करना है। बोलो ये बात समझ आ रही है ना, इसमें क्यू
गेटिंग द आइडिया ना, इसमें मतलब कुछ ऐसा वाला नहीं है कि कोई नई वाली चीज है। अगर मुझे मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, वो भी एक प्रॉब्लम एक बार पूछा गया था कि मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड दिए या मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड दिए, तो ईएम वेव वाले कहानी से सपोज मुझे ई1 दिया है और एक ई2 दिया है, कि मुझे बोला गया है कि किसी एक रीजन में दो मैग्नेटिक फील्ड या दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बी1 और बी2 निकाल सकते हैं। और मुझे पूछा गया कि बताओ नेट फोर्स क्या होगा, तो दोनों की वजह से अलग अलग निकालेंगे नेट फोर्स, है ना। अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया तो वो ई1 प्लस ई2 हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया तो वो भी निकाल सकते हैं अलग अलग। बताओ ये कहानी सही है, अगर होगा मतलब, क्योंकि एक बार पूछा गया था उसमें केवल दो ही चीजें पूछी गई थी, मतलब आई थिंक ई1 ई2 दिया था या बी1 बी2 दिया था, उनमें से कोई एक दिया था। पता है यहाँ तक कहानी समझ आ रही है सबको, और क्या हो क्या सो प्रॉब्लम आई गेस नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। सॉल्व 15-20-30 प्रॉब्लम, केवल पुराने वाले कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। रियली सारी चीजें एक बार बस करनी है, वह सॉल्व हो जाएगा, कार्यक्रम खत्म। ठीक है, दिस इज डन, इट्स कूल। ओके तो ये खत्म हो गया, अब चैप्टर इज ओवर। हाँ इसमें कुछ नहीं है, बट एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ सॉल्व करने में, क्योंकि चैप्टर छोटा सा है और नॉर्मली अगर एक प्रॉब्लम भी पूछा जा रहा है तो वेटेज बढ़ गया, क्योंकि चैप्टर छोटा सा है, अगर एक भी प्रॉब्लम पूछा तो तुम्हारा कार्यक्रम हो जाएगा वो, है ना। इसलिए जस्ट सॉल्व द चैप्टर, सॉल्व सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, किसी कहीं से कहीं प्रीवियस ईयर कर लोगे या कोई भी कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये सर कंप्लीट वो नीचे वाला लिखना है, वो क्या, अच्छा ओके ओके ओके, ये क्यू और 0,0,0, अच्छा ये तो मैंने नंबर लिया नहीं है बस, ओके है ना। ठीक है, अभी कोई डाउट था उसमें। ठीक है तो ये हो गया, अभी आई गेस नाउ तुम्हारा वो जिन लोगों का एसी बाकी है तो आई गेस वो मैं आई गेस अभी टाइम टेबल आया नहीं है, मोस्टली आज आ जाएगा, तो वो एसी मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो दैट इज वो खत्म हो जाएगा अपना वो वाला काम। एंड सेकेंडली इस वीक से या रिवीजन भी जो भी है न्यूज में आ रहा है सेमीकंडक्टर अभी, वो सब हो जाएगा, जो जो बाकी इस वीक सब कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक या अभी अगले 2-3 महीने मिड जैन में फर्स्ट अटेम्प्ट है, वेरी गुड, पढ़ो फिर और क्या क्या तरीका है। हाँ यार पहले जेई जेई में ही होता था, रिवीजन मोस्टली मैं कराऊंगा, पता नहीं यार अभी आज पता है। ओके एच सी ए के डाउट SCV से पूछे जाके, ओमकार नोट कर लिया है, पूरा बोर्ड लिख के हो गया, पूरा बोर्ड लिख के हो गया, ओके कूल। सो कंप्लीट दिस, एंड जिन लोगों का ये दोनों चीजें बाकी है ना इस वीक में, आई विल कंप्लीट दैट एसी वाली कहानी, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, क्या है स्पेक्ट्रम, पूछो जल्दी पूछो क्या डाउट है। अच्छा बाकी लोग चलो कैन गो नाउ, किसी में डाउट है जल्दी से उतार रहा हूँ।